ओके, अब सोचिए, इफ यू कम अक्रॉस अ क्वेश्चन, इफ यू अमन if you come across a question which says solve, last class mein humne linear linear inequality dekha tha. Ab agar aapko main is tarike ka question deta hu, solve x square minus 9 greater than 0, ye question hai, theek hai, ya fir solve x plus 1 into x minus 2 divided by x minus 3 into x plus 4. मान लो मैं इस तरीके के questions आपको दे रहा हूँ, ठीक है? और आपसे पूछा जा रहा है कि चलिए इसको solve कीजिए. कैसे solve करोगे? Try करो तो. Let's try for 2 minutes. Try out this question. ये आसान वाला question को try करो. आपको इसको solve करना है. मैं method बताऊँगा. Don't worry. But एक बार खुद से try करो. खुद से try करो. Wrong Manus. Remember, x can be a real number, guys. X koi bhi ek real number ho sakta hai. Harsh galat hai. मतलब थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है इस पे, बट यू आर वेरी क्लोज. अर्णव गलत, सनी गलत, आयुष गलत, बाकी लोग ट्राई इट आउट, टेल मी योर आंसर. गैलेक्सी A20 प्लीज, यू नेम योरसेल्फ हियर. गैलेक्सी A20, आई थिंक दिस इज योर छठा सातवां क्लास होगा. अभी तक ये नहीं समझ में आया कि रिनेम करना होता है खुद को. टेल मी योर नेम, या तो खुद रिनेम कर लो या नाम चैट बॉक्स में डालो, मैं रिनेम करता हूं. मान लो आप भी डाउट पूछोगे तो मैं कैसे बताऊंगा? ओ गैलेक्सी A20 सुनो इधर, ऐसे बोलूंगा. मृगंक, वेरी गुड मृगंक, यू गॉट द करेक्ट आंसर. सनी इनकम्प्लीट. गुलशन थोड़ा सा गलत है. हर्ष सही है. गुड यार, थोड़ा मोड़ा पढ़ाई हुआ है मतलब. चलिए ओके, सो पहले मैं आपको दो तीन चीजें यहां पे सिखाता हूं क्या नहीं होता. जैसे आप में से कुछ लोग इसको कैसे ट्राई करते हो, आप क्या करते हो, माइनस नाइन को राइट साइड भेजते हो, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9 हो जाता है. अब एक्स स्क्वायर अगर आप ग्रेटर देन 9 कह रहे हो, कोई नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन 9 कह रहे हो, तो लोग यहाँ पे जनरली क्या करते हैं, एक यहाँ पे आता है आंसर एक्स ग्रेटर देन 3, ठीक है? विच आई वुड से इज इनकम्प्लीट, विच आई वुड से इज इनकम्प्लीट, ठीक है? दूसरा आंसर जो स्टूडेंट्स की तरफ से आता है वो भी बात करते हैं. ऊपर वाले में क्या होता है, वो 9 का रूट ले लेते हैं, वो सोचते हैं कि x का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको x चाहिए, तो वो जो उसका पावर होता है ना, उस पावर को भेज देते हैं 9 की तरफ, तो 1/2 हो जाता है. अब 9 का रूट लेके 3 लिख देते हैं, तो दैट इज वन मिस्टेक. नेक्स्ट मिस्टेक इज जब x स्क्वायर ग्रेटर देन 9 होता है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पावर को उधर भेजते हैं और ये लिखते हैं x ग्रेटर देन प्लस माइनस 3. आप में से कुछ लोगों का आंसर ये आया होगा जरूर, एंड आई वुड से दैट दिस इज रॉन्ग. मैथमेटिकली ये स्टेटमेंट ही आपने गलत लिखा है. देन अच्छा, पहले वाले में इनकम्प्लीट क्यों है? बिकॉज आपने आधा आंसर दिया है. एक्स ग्रेटर देन 3 मतलब अगर मैं 3.1 लेता हूं तो 3.1 का जो स्क्वायर होगा वो 9.61 होगा. 3.1 का स्क्वायर 9.61 होगा और वो 9 से बड़ा है. तो हम 3.1 पुट कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहा है.
तो कहीं ना कहीं तीन से बड़ा कोई भी नंबर लोगे तो वो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं, अब अगर मैं आपको बोलूं कि चलो माइनस फाइव लो, माइनस फाइव का स्क्वायर करो जरा कितना हो रहा है, माइनस फाइव का स्क्वायर इज 25। क्या 25 नाइन से बड़ा नहीं होता है? होता है ना। तो कहीं ना कहीं आपके आंसर में ये माइनस फाइव मिस हो गया। अब माइनस टेन ले लो, माइनस 3.5 ले लो, माइनस 100 ले लो, ये सारे वैल्यूज का भी जब स्क्वायर करोगे तो नाइन से बड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं आप इसको अपने आंसर में इंक्लूड नहीं कर रहे थे, इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है इनकम्प्लीट। सेकेंड चीज है गाइस, सेकेंड चीज है कि इस तरीके से आप स्क्वायर को ना हम प्लस माइनस थ्री ये कहाँ लिखते थे, हम इसको लिखते थे इनइक्वालिटी में। सॉरी, वी यूज टू राइट दिस, दिस इज डन ओनली इन इक्वालिटी। ये वाली चीज इक्वालिटी में होती है सिर्फ। ध्यान रखिएगा जब भी ये माइनस माइनस आ जाता है ना, तो यू हैव टू बी केयरफुल। जब भी इस तरीके से माइनस वगैरह आ जाता है तो आपको थोड़ा सा वहां पे ध्यान रखना पड़ता है। बट एनीवेज आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने उस तरीके से सॉल्व किया है उसको मैं बता दिया कि उसका इनकम्प्लीट क्यों था, क्योंकि उसके आंसर में कुछ पॉइंट्स नहीं थे। दूसरी चीज गाइस, जब आप स्क्वायर वगैरह का केस होता है या कहीं भी होता है जहां पे आप माइनस भेज रहे हो दूसरे साइड में, कहीं पे भी होता है जहां हम इनइक्वालिटी में माइनस भेज रहे एक साइड में, तो ध्यान रखिएगा जब भी आप माइनस को सेंड कर रहे होते हो ना, उस टाइम पे इनइक्वालिटी के साइन में इफेक्ट आ सकता है। इनफैक्ट हमने ये चीज की बात की हुई है। ओके, तो चलो हम इसको डिस्कस करते हैं कि हाउ एक्चुअली वी नीड टू सॉल्व ऐसे क्वेश्चंस को, कि जल्दी सॉल्व करना है, एक्यूरेटली सॉल्व करना है और मन में डाउट भी नहीं आना चाहिए, है कि नहीं। तो उसके लिए आपको एक सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करना है। उस मेथड को नाम दिया गया है वेबी कर्व मेथड। कहीं पे इसको मेथड ऑफ इंटरवल्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो वेबी कर्व मेथड क्या कहता है, सबसे पहले फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल, फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल। तो मैं क्या करता हूं, मैं आपको इसी के अलोंग स्टेप्स को लिखकर भी समझाते रहता हूं। तो मान लीजिए कि जैसे मेरे पास क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस नाइन ग्रेटर देन जीरो था, तो स्टेप वन के हिसाब से क्या करना है हमको, स्टेप वन के हिसाब से हमको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, क्लास सेवन एट में पढ़े हुए हो, लीनियर लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना है। अब जैसे कि ये एक्स स्क्वायर माइनस नाइन जो है, इसको आप एक्स स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर लिख सकते हो। तो क्या बन गया, ये बन गया ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी, ठीक है। तो मैं इसको स्टेप वन में फैक्टराइज करके लिख रहा हूं, ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी। स्टेप टू क्या कह रहा है, स्टेप टू कह रहा है नाउ मेक द कोफिशियंट ऑफ ऑल द वेरिएबल टू फैक्टर्स पॉजिटिव। तो जितने भी आपके फैक्टर्स हैं ना बने, यहाँ पे कितने फैक्टर बने हैं स्टूडेंट्स, सिर्फ दो फैक्टर बने हैं, एक बना है x प्लस थ्री, दूसरा बना है x माइनस थ्री। दोनों में जो x दिख रहा है ना आपको, उसके कोफिशियंट को आपको करना होता है पॉजिटिव। दोनों जगह से x के कोफिशियंट को करना होता है पॉजिटिव। तो देखिए, तो पहला वाला फैक्टर में भी x पॉजिटिव है और दूसरे वाले फैक्टर में भी x पॉजिटिव है। तो कहने के लिए हमको यहाँ पे स्टेप टू की जरूरत नहीं है, स्टेप टू की जरूरत नहीं है। लेकिन एक आगे क्वेश्चन और लूंगा जहां पे मान लीजिए कि वो नेगेटिव हो रहा है, या फिर एक काम करते हैं ना, साइड में उसको भी लिख ही लेते हैं, साइड में उसी को भी लिख लेते हैं। तो मान लीजिए कि यहां पे क्वेश्चन है, अभी मैं सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं समझाने के लिए। सो लेट्स से वी हैव 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। अब अगर हम यहां पे स्टेप वन परफॉर्म करते हैं, तो अगेन वी विल गो फॉर द सेम लॉजिक, ठीक है। 16 कैन बी रिटन एज 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे बन रहा है, तो आप उधर क्या लिखोगे, आप उधर लिखोगे 4 प्लस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स। तो ये अभी हमने उसको फैक्टराइज कर दिया, ठीक है, ये हमने उसको फैक्टराइज कर लिया। अगेन बता रहा हूं सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे, ये सबसे आसान क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं।
अब स्टेप टू ने बताया कि उसके फैक्टर को पॉजिटिव कीजिए, तो आप देख सकते हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन लिखा है उधर एक्स ऑलरेडी पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड में देखते हो तो राइट हैंड साइड में यहां तो पॉजिटिव है लेकिन यहां पॉजिटिव नहीं है, यहां पॉजिटिव था लेकिन यहां पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव नहीं है तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे उस केस में? स्टेप थ्री ने आपको सिंपल तरीका बताया हुआ है, ये पढ़ो, मल्टीप्लाई और डिवाइड द इक्वेशन, मल्टीप्लाई और डिवाइड, या तो मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए। अच्छा एक मिनट रखिए, गैलेक्सी A20 रीनेम कीजिए वरना मैं निकालता हूं आपको। नाम बताओ अभी चैट बॉक्स में, टेल मी योर नेम इन द चैट बॉक्स। आई थिंक मैंने आपको क्लियरली पहले बता दिया है, स्टिल यू आपने नाम नहीं भेजा है। व्हाट इज योर नेम? अटेंडेंस लेने के लिए हमारे कोऑर्डिनेटर्स को दिक्कत होती है, या फिर आपने अपने बर्थ सर्टिफिकेट पे नाम गैलेक्सी A20 रखा है तो अलग बात है। एंड दिस A.Rishuraj.M21, रिनेम योर सेल्फ, हरी अप, आई गिव यू 2 मिनट्स। प्रदीप सिंह, प्रदीप अगली बार एंट्री करने के टाइम पे एडिट करके आना, ठीक है ना? जब आप ज्वाइन करते हो ना तो ऑप्शन आता है वहां पे। ओके, सो आई थिंक राकेश जी सारे लोगों ने एडिट कर लिया, चलो नेक्स्ट। सो गाइस आई थिंक स्टेप वन इज वेरी मच क्लियर इन योर माइंड। स्टेप टू कहता है कि एक्स के कोफिशिएंट को पॉजिटिव करना है, जैसे आपको दिख रहा है कि वहां एक्स के आगे माइनस लगा हुआ है तो इट्स अ नेगेटिव साइन। उसके केस में आप क्या करोगे, यू विल हैव टू या तो आप मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी बाय -1, सो दैट आप माइनस साइन को रिमूव करते हो। आप माइनस साइन को रिमूव करने के लिए क्या करोगे, जैसे सिंपल सी बात है, आप सोचो कि एक जगह पे -5 दिख रहा है, एक इक्वेशन में -5 दिख रहा है, उसको आप +5 बनाना चाहते हो, कैसे करोगे? पूरे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करोगे। यहां पे भी हम वही चीज करने वाले हैं। सो अगर हम यहां पे बात करें फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो स्टेप टू एंड स्टेप थ्री आर नॉट नीडेड ना, यहां पे कहने के लिए स्टेप टू और स्टेप थ्री, मतलब क्योंकि वो कोफिशिएंट मेरा एक्स का पॉजिटिव है तो स्टेप टू और स्टेप थ्री की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें बात करते हैं तो अभी हमारा स्टेप टू के हिसाब से हमको दिख गया है कि यहाँ पे वो नेगेटिव है, तो आपको क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो चलो -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -1 × 4 + x × 4 − x। अच्छा गाइज आपको याद है कि जब हम एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन पलटता है, आपको याद है ये चीज? यहां पे तो 0 × −1 आएगा। बताओ कितने लोगों को याद है कि अगर हम एक नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन पलटता है? लास्ट दोनों क्लासेस में हमने बात की हुई है, आई थिंक लास्ट क्लास में हमने इसको स्पेसिफिकली बताया था कि क्या क्या करने से इनइक्वालिटी में चेंज आता है। कितने लोगों को याद है, टेल मी इन द चैट बॉक्स। उज्जवल, अमृत, आयुष, हर्ष, सनी, ओके ठीक है। सो अब यहां पे देखिए, तो इतना हमें क्लियर हो गया कि भाई यहां पे साइन चेंज होने वाला है ना, यहां पे साइन चेंज होने वाला है। तो पहले ग्रेटर का साइन था तो अब क्या बन जाएगा, वो लेस देन का साइन बन जाएगा। पहले ग्रेटर का था तो अब वो लेस देन का साइन बन जाएगा। तो अब देखिए गाइस, अब ये -1 को आप किस में मल्टीप्लाई करना चाहते हो, इस -1 को आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो 4 − x में, 4 − x में। इसका मतलब है 4 + x तो वैसे ही रहेगा, 4 + x वैसे ही रहेगा, और 4 − x में जब हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x − 4। 4 − x में जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा x − 4 < 0, ठीक है? रिशु, आपका अगर फर्स्ट डे है तो आपने वीडियो तो जरूर देखा होगा जिसने भी आपको रजिस्टर किया है, बिकॉज रिशु कॉमन सी बात है, तीसरी क्लास चल रही है।
कोशिश करो, गिव योर बेस्ट। वैसे मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी आएंगे उनको समझ में आए, बट ऑब्वियस सी बात है कि लास्ट दो क्लासेस की जो भी यूज हुई है वो यहाँ पे आने वाला है। हाँ गुलशन बताओ, हैंड रेस क्यों, क्या पूछना है? वहां से -1 से मल्टीप्लाई किए तो दोनों में मल्टीप्लाई आएगा, आप एक में ही किए हुए सिर्फ अच्छा एक चार चीज, माइनस एक्स एक चीज बताओ, अगर यहाँ पे 5 × 4 है ठीक है, और अगर आप एक -1 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है आप -1 से मल्टीप्लाई करते हो, थोड़ी देर के लिए सब रूल्स भूल जाओ, तो बताओ उसकी वैल्यू कितनी होगी? -20 -20 होगी। अब अगर आप ये 5 में भी -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5 बन जाएगा, और 4 में भी -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 बन जाएगा, अब उसकी वैल्यू कितनी हुई? बीस गलत हुआ कि नहीं फिर बीस आपका सही? ठीक है, नंबर ही तो है ना वो अल्टीमेटली, वो नंबर है तो वो किसी एक ही चीज लेकिन के साथ तो मल्टीप्लाई होगा। होना चाहिए सर दोनों का, कि ये परफेक्टली सर नहीं है एक नहीं, गलत है के यार लिए मैथ्स, दोनों। ये तो मैथ्स सिंपल मैथ्स की बात है, यहाँ तो कोई 11 का चीज नहीं है। आप देखो कि ए बी, अगर आप ए बी के साथ 5 मल्टीप्लाई करते हो, ए बी के साथ 5 मल्टीप्लाई करते हो, तो क्या ए भी 5 गुना हो जाता है और बी भी 5 गुना हो जाता है? बोलो, नहीं नहीं होता ना, था पूरा प्रोडक्ट होता है। अब जैसे मान लो आपने अपने मन में ए को 2 समझा है और बी को 3 समझा है, तो ए को 2 समझा है बी को 3 समझा है, तो 2 × 3 कितना हो गया? 6 6 हो गया, तो 2 × 3 6 हो गया, और उसको 5 गुना किए तो कितना हो गया? 30।30 लेकिन अगर आपके टेक्निक से हम लोग चले तो आपके हिसाब से वो 5 × 5 भी हो रहा है, आपके हिसाब से 5 × 5 भी हो रहा है, तो कितना हो गया? 25 ए बी हो गया, 25 गुना हो गया, जबकि क्वेश्चन में क्या था? 5 गुना था। समझ रहे हो बेसिक मैथ से? ये आप एक नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो एक नंबर में, अब वो नंबर के चाहे जितने भी फैक्टर्स हो, हर एक नंबर से थोड़ी मल्टीप्लाई होने वाला है। आप बोल रहे हो कि आपके पास 100 रुपए हैं, हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 200 बनेगा ना। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने वो जो 100 रुपया था उसको 10 × 10 लिख सकते हैं, तो 10 को भी 20 बना दिया, अगला 10 को भी 20 बना दिया, तो 20 × 20 400 हो गया। हो सकता है ये चीज? नो नहीं ना। सर चलिए म्यूट कर लीजिए, बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रहा था आपका। ओके गाइस, तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थिंग इज क्लियर। नेक्स्ट, ये हो गया स्टेप 2। ध्यान से समझिएगा गाइस, बिकॉज आई एम टेकिंग द बेसिक एग्जांपल ताकि स्टेप्स अच्छे से समझ में आए, और इसी को हम फिर चाहे कोई भी क्वेश्चन आता है ना, वी फॉलो द सेम स्टेप। कोई भी क्वेश्चन आएगा हम इसी स्टेप को फॉलो करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हमने स्टेप 3 तक तो अपना काम संभाल लिया। स्टेप 3 के बाद देखो स्टेप 4 क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स एंड एसिम्प्टोट्स। चलो अभी एसिम्प्टोट्स वर्ड्स को इग्नोर कर दो, खाली रूट्स वर्ड पे आ जाओ। ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी बाय इक्वेटिंग ईच ऑफ द फैक्टर्स टू 0। तो आपको क्या कह रहा है, जो आपने इनइक्वालिटी को फैक्टर्स में ब्रेक किया है ना, आप उसके हर एक फैक्टर से रूट निकालिए, हर एक फैक्टर से रूट निकालिए। जैसे कि हम लोग क्लास 10th में चैप्टर नंबर 4 में रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते थे ना, कैसे निकालते थे? हर एक फैक्टर को इक्वल टू 0 करते थे। तो यहां जैसे देखिए स्टेप 4 के हिसाब से, स्टेप 4 के हिसाब से आपको क्या करना है, आपको रूट्स निकालना है। तो आपने स्टेप 1 में कितने फैक्टर बनाए? 2 फैक्टर बनाए, एक है x+3, एक है x-3। तो स्टेप 4 के हिसाब से एक बार x+3 को इक्वल टू 0 कीजिएगा, तो वहां से x का वैल्यू कितना आएगा? वहां से x का वैल्यू आएगा -3। दूसरा x-3 को इक्वल टू 0 कीजिएगा, वहां से x का वैल्यू कितना आएगा? +3। तो ये आपके 2 रूट्स हो गए, ठीक है ना, ये आपके रूट्स। तो यहां पे हम ये बोलेंगे कि रूट्स आर 3, -3। ठीक है गाइस, सेम हम फॉलो करेंगे यहां पे भी स्टेप 4। आप समझ सकते हो कि स्टेप 2 और स्टेप 3 जो है वो कहने के लिए एक ही स्टेप है। स्टेप 2 कहता है कि
एक्स के कोफिशिएंट को पॉजिटिव कीजिए, और स्टेप थ्री बोलता है कि अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कैसे करना है, राइट? तो स्टेप टू के बाद में इसीलिए यहाँ पे स्टेप फोर सीधा लिख रहा हूँ, क्योंकि ये कह सकते हो कि ये स्टेप टू प्लस स्टेप थ्री एक ही स्टेप है। वो आपको बताता है कि एक्स के कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कैसे करेंगे। सो फाइनली अब आते हैं स्टेप फोर पे। यहाँ पे फैक्टर्स क्या क्या दिख रहा है आप लोगों को, फोर प्लस एक्स एंड एक्स माइनस फोर। तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, एक बार 4 प्लस एक्स को इक्वल टू जीरो करेंगे तो यहां से x का वैल्यू आएगा माइनस फोर, और एक बार x माइनस फोर को इक्वल टू जीरो करेंगे यहां से x का वैल्यू आएगा 4, ठीक है? यहां से x का वैल्यू आएगा 4, यहां से फाइनली फिर रूट्स क्या निकले आपके, तो रूट्स आए हैं 4 कॉमा माइनस फोर, दो रूट्स यहां से आ गए 4 कॉमा माइनस फोर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी, प्लीज बताइए कोई दिक्कत है एनीवन? अगर है तो प्लीज रेज योर हैंड, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, बताना कहां पे फिर दिक्कत हो रही है। स्टेप वन फैक्टराइज करना है, स्टेप टू थ्री का टारगेट होता है कि अगर कोई एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाना है। कैसे पॉजिटिव बनाओगे, तो हमेशा माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? मतलब अगर एक माइनस को प्लस बनाना है तो एक माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दो तीन हुए तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहेगा, ठीक है? फिर स्टेप फोर में क्या करते हैं हम, तो स्टेप फोर में हमारी कोशिश होती है कि जो हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हमने बनाए हैं ना, उस लीनियर फैक्टर्स के रूट्स निकाले, लीनियर फैक्टर्स के रूट्स निकाले, जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे। अब आ जाइए स्टेप फाइव के ऊपर। स्टेप फाइव अब इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि स्टेप फाइव बहुत बार स्टूडेंट्स को ना दिक्कत होती है। स्टेप वन से लेके फोर तक सब सही से कर लेते, कभी मैंने नहीं देखा कि किसी स्टूडेंट को वहां दिक्कत हो रही है। दिक्कत होती है या गलती जो होता है ना बच्चों से, वो जनरली स्टेप फाइव में होती है। वो कह रहा है कि नाउ फाइनली प्लॉट द पॉइंट्स, पढ़ो उसको, नाउ फाइनली प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन एंड स्टार्ट विद द लार्जेस्ट फैक्टर। तो आप ये जो रूट्स आए हैं, जो पॉइंट कह रहे हैं ना यहाँ पे, पॉइंट मतलब ये रूट्स ही है, तो यहाँ पे जो ये पॉइंट्स की बात कर रहा है, ये एक्चुअली में आपको उस रूट्स को प्लॉट करना है, ठीक है? आपको उस रूट्स को प्लॉट करना है विद द लार्जेस्ट फैक्टर। तो चलिए पहले हम इसको प्लॉट कर लेते हैं ना, पहले हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमारे दो रूट्स थे तो हमको दो नंबर को प्लॉट करना है नंबर लाइन के ऊपर। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट बहुत बार जीरो को प्लॉट करते हैं, लेकिन अगर जीरो रूट नहीं आया है, जीरो अगर किसी का रूट नहीं आया है तो फिर उसको प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ पे रखेंगे माइनस थ्री को, यहाँ पे रखेंगे प्लस थ्री को, यहाँ पे रखेंगे माइनस फोर को, यहाँ पे रखेंगे प्लस फोर को, जैसे नंबर लाइन में हम लोग करते हैं, बड़े नंबर को राइट साइड में रखते हैं, ठीक है? चलिए ये प्लॉट कर लिया। आगे क्या कह रहे हैं वो, हियर द कर्व फ्रॉम द पॉजिटिव रीजन ऑफ द नंबर लाइन शुड इंटरसेक्ट दैट पॉइंट। नाउ लेट्स लुक एट द पावर ऑफ द फैक्टर्स, इफ इट इज ऑड देन वी हैव टू चेंज द पाथ ऑफ द कर्व फ्रॉम द रेस्पेक्टिव रूट्स व्हाइल इट्स इवन कंटिन्यू इन द सेम रीजन। ठीक है, ये कह रहा है कि जो आपका पॉजिटिव रीजन है नंबर का, वहां पे नंबर लाइन इंटरसेक्ट करना चाहिए, मतलब कर्व का जो पॉजिटिव पार्ट है, कर्व का जो पॉजिटिव रीजन है वो नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन आपको उससे पहले एक और चीज देखनी होती है, वो है आपके जो फैक्टर्स आए हैं उसके ऊपर पावर क्या है। अभी तो हमारे पास सारे लीनियर फैक्टर्स हैं, और एक्स प्लस थ्री के ऊपर भी पावर वन है, एक्स माइनस थ्री के ऊपर भी पावर वन है, बट आपको आगे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे इन फैक्टर्स के ऊपर पावर होगा इवन। तो ये मेथड कह रहा है कि अगर पावर ऑड है तो आप जैसे जैसे इंटरवल को चेंज कर रहे हो, मतलब एक इंटरवल से दूसरे इंटरवल में जाओगे, तो एक्सप्रेशन का साइन चेंज होगा, एक्सप्रेशन का साइन चेंज होगा
अगर सारे फैक्टर्स ऑड है, मैं इसको यहाँ पे अगेन इसको इधर से समझाता हूँ। देखिए गाइस, आप क्या करो, मैं आप सबको छोटा सा काम देता हूँ। आप एक तो ये इंटरवल है, ठीक है, एक ये इंटरवल आ रहा है, एक ये इंटरवल आ रहा है और एक ये इंटरवल आ रहा है। चलिए हम क्या करते हैं, इसमें से कोई भी एक वैल्यू बताओ चैट बॉक्स में। अमृता, यहां से कोई भी एक वैल्यू मेरे को बताओ, यहां से एनी वैल्यू, कोई भी नंबर बताओ। हम चेक क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि उस नंबर पे हमारा फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्या हो गया अमृता, एक नंबर बताने में दिक्कत हो रही है? इस अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो ये नंबर लाइन जो है, नंबर लाइन क्या होता है, नंबर लाइन में हम वैल्यूज कहां से कहां तक डालते हैं, माइनस इनफिनिटी से लेके प्लस इनफिनिटी तक डालते हैं ना। तो आपने पूरा नंबर लाइन को तीन भागों में डिवाइड कर दिया। जब मैं मान लो कि नंबर लाइन को मैंने एक नंबर डालता, एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर मैंने नंबर लाइन में खाली एक वैल्यू रखा है थ्री, तो उसके कारण नंबर लाइन कितने भागों में डिवाइड हो गया, बताओ चैट बॉक्स में बताओ गाइस। अगर आपने नंबर लाइन के ऊपर एक नंबर को प्लॉट किया तो उसके कारण नंबर लाइन कितने भागों में डिवाइड हो गया, वेरी सिंपल ना, टू पार्ट्स। यस, हर्ष, मानस, अमृत, सनी, मंजीत, बहुत अच्छी बात है। ओके, बाकी लोग यार, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट नहीं, आप लोगों को मैं समझाता हूं कि क्लास कैसे होता है। अगर आप लोग यहां पे थोड़ा रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो लेट मी टेल यू, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू यार, ठीक है, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। इफ यू आर थिंकिंग कि आप खाली सुनते रहोगे एंड देन यू विल बी एबल टू डू इट, एंड नॉट पॉसिबल। अंजलि, स्विच ऑन योर ऑडियो, आपको तो सुनाई नहीं दे रहा हम क्या कह रहे हैं। एंड ये बाकी लोगों के लिए भी है, द रीजन व्हाई आई एम गोइंग वेरी स्लो इज बिकॉज दीज आर योर फर्स्ट क्लासेस, और मैं चाहता हूं कि आपको किसी तरीके का डाउट ना हो। बट अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे देन आई विल हैव टू अज्यूम दैट यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। एंड जब स्टूडेंट्स को समझ में आने लग जाता है चीजें, तभी हम अपना स्पीड को बढ़ाते हैं। तो अभी आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, और मान लो थोड़ा सा स्पीड आगे बिल्डअप होता है एंड देन यू से दैट सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देन इट विल बी कंप्लीटली योर फॉल्ट, ठीक है। तो यू गाइज हैव टू या रिस्पॉन्ड। अब जैसे अमृता, मैंने आपसे सिंपली एक वैल्यू पूछी थी थ्री के आगे में, अब अगर आप वो नंबर बताने में हिचक रहे हो या फिर आप स्क्रीन के आगे नहीं बैठे हो, इन बोथ द केसेस इट इज रॉन्ग ऑन योर साइड। थ्री से बड़ा नंबर बताने में दिक्कत हो रहा है, या आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, स्क्रीन ऑन है बस, ठीक है। तो ये सबके लिए Try to understand, हम जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस रन करते हैं, it is completely different from the other side. आप में से किसी को भी डाउट है, आप instantly हमसे पूछ सकते हो। हम नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने लिंक पे आपको ऑलरेडी एक्स्ट्रा बुक्स प्रोवाइड कर रखे हुए। तो द ओनली थिंग हाउ इट कैन हेल्प यू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, इफ यू वॉन्ट ऑनलाइन सिस्टम टू हेल्प यू, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके ऊपर फेथ रखना पड़ेगा, बिलीव रखना पड़ेगा। अभी पूरा इंडिया ऑनलाइन ही पढ़ रहा है। जिन लोगों ने इस साल जेई का एग्जाम दिया है, उन्होंने पिछले साल ऑनलाइन ही पढ़ाई की है। और ये बात समझ में, हमारे स्टूडेंट जो जेई क्लियर किए हैं वो हमारे साथ ऑनलाइन ही पढ़े थे पिछले एक साल। तो आप भी ऑनलाइन पढ़ के क्लियर कर सकते हो, लेकिन इस एटीट्यूड के साथ बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, जहां पे मैं किसी से सवाल पूछ रहा हूँ वहां से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, या फिर मैं एक नॉर्मल सवाल पूछ रहा हूँ हर एक स्टूडेंट को और वहां 20 स्टूडेंट है तो चार लोग पांच लोग का रिस्पॉन्स आ रहा है। गाइस, अगर ये ऑफलाइन सेंटर होता मैं खड़ा कर करके एक से सवाल पूछता। सो डोंट टेक द एडवांटेज ऑफ दिस ऑनलाइन सिस्टम, प्लीज कीप इट इन माइंड। आप पढ़ने के लिए आए हो तो पढ़ाई एक साइड से नहीं होती है। जब तक आप यस नो नहीं करोगे, इफ यू जस्ट फील दैट यार क्या फायदा उसको यस नो करके, वो मेरे को देख तो रहा है, इफ यू थिंक दिस काइंड ऑफ वे, फायदा नहीं है, फिर आप गलत ट्रैक पे हो। प्रदीप, इंटरनेट का इशू है आपका,
इंटरनेट का इशू है आपका? बिकॉज आई थिंक सबको मेरी आवाज क्लियरली जा रही है, क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है ठीक से? जस्ट क्लिक ऑन यस, जस्ट क्लिक ऑन यस। तो प्रदीप आप पार्टिसिपेंट में जाके देख सकते हो कितने लोगों ने यस पे क्लिक किया है। अमृता आर यू एक्चुअली देर इन द क्लास, टेल मी यस और नो इन द चैट बॉक्स। अंजलि आर यू देर इन द क्लास, टेल मी यस और नो इन द चैट बॉक्स। इफ आई डोंट गेट अ रिस्पॉन्स आई विल रिमूव यू गाइस। तो अमृता का रिस्पॉन्स आया है, अंजलि टेल मी यस और नो इन द चैट बॉक्स। अंजलि कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है अंजलि देन आई क्या करे, और रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर कोई फायदा नहीं ना। लेट्स रिमूव यू। आप रिकॉर्डिंग देखो क्योंकि आप ऐसे भी रिकॉर्डिंग लाइक ही चल रहा है, ना ही कुछ रिस्पॉन्ड कर रहे हो ना ही कुछ। ओके और कोई है? चलो गुलशन ने चैट में लिखा हुआ है, आदित्य हेजल, आदित्य फ्रॉम हेजलवुड, यस और नो इन द चैट बॉक्स टेल मी। नेक्स्ट टाइम से रिस्पॉन्ड आना चाहिए ठीक है। प्रफुल क्या आपको आवाज आ रही है? टेल मी यस और नो इन द चैट बॉक्स, बिकॉज इस तरीके से क्लास नहीं होती है यार। प्रफुल इस तरीके से क्लास नहीं होती है, फिर इस तरीके से आई थिंक हाँ चलो आ गया रिस्पॉन्ड उसकी तरफ से। गाइस सिंपल सा फंडा है यार मेरा, इफ पीपल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग तो वो पढ़ना ही नहीं चाहते ना। ओके उज्जवल, उज्जवल ने बोला स्टेप फाइव को दोबारा समझाने के लिए। उज्जवल देखिए स्टेप फोर तक क्लियर है, स्टेप फाइव क्या कहता है? स्टेप फाइव कहता है कि आपने जो रूट्स निकाले हैं ना, जो रूट्स निकाले हैं स्टेप फोर में, उन रूट्स को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करोगे, उन रूट्स को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करोगे। अब आप देखो कि स्टेप फोर में हमने कितने रूट्स देखे हैं। तो स्टेप फोर में हमने देखे दो रूट्स, एक देखा है थ्री और एक देखा है माइनस थ्री। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको उन दोनों को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है। अब उज्जवल एक सिंपल सी चीज पूछता हूं, जैसे कि अगर हमने नंबर लाइन के ऊपर एक नंबर को प्लॉट किया, थ्री को प्लॉट किया, तो उसके कारण नंबर लाइन दो भागों में डिवाइड हो गया। सिमिलरली अगर हमने यहाँ पे दो नंबर प्लॉट किया, माइनस थ्री और थ्री को प्लॉट किया, तो इसके कारण पूरा नंबर लाइन कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया? इसके कारण पूरा नंबर लाइन कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया? तीन भागों में डिवाइड हो गया। आई एम नॉट सेइंग थ्री, तीन भागों में। कहां से कहां तक? एक भाग होगा ये वाला, ये कौन सा हिस्सा है? ये हिस्सा है थ्री टू इंफिनिटी वाला, ये हिस्सा है तीन से लेकर इंफिनिटी वाला। दूसरा हिस्सा कौन सा होगा? दूसरा हिस्सा है माइनस थ्री से थ्री वाला, दूसरा हिस्सा है माइनस थ्री से थ्री वाला। तीसरा हिस्सा कौन सा होगा? ये वाला तीसरा हिस्सा हो गया, माइनस माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस थ्री वाला। ठीक है गाइस, तो ये तीन हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब आपको वो स्टेप आगे क्या कहता है? सिमिलरली यहां पे भी हमने सेकंड क्वेश्चन में भी हमने दो रूट्स प्लॉट किए, एक प्लॉट किया माइनस फोर, एक प्लॉट किया फोर। ये भी इसने भी नंबर लाइन को तीन भागों में डिवाइड किया। इतना तक क्लियर है उज्ज्वल आपको? गिव मी कंफर्मेशन। ठीक है ग्रेट, सो थैंक यू फॉर रिस्पॉन्स। अब देखो ये समझ में आ गया, अब आगे वाला पार्ट। हाँ आगे वाला पार्ट जो मैं पूछ रहा था, चलिए अब हमको क्या पूछा है क्वेश्चन ने? हमको पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब, इसका सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में सॉल्यूशन का मतलब समझाया था। यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या होता है? तो सॉल्यूशन में हम बेसिकली एक्स की वो वैल्यूज निकालते हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। जैसे आई बिलीव हर एक स्टूडेंट ये समझ सकता है कि x की जगह पे 5 रख देते हैं, x की जगह पे 5 रख देते हैं तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 16। और 16 अभी भी ग्रेटर देन 0 है। x की जगह पे 5 रखेंगे तो हुआ 25, x का स्क्वायर 25, 25 माइनस 9 16, 16 ग्रेटर देन 0। तो 5 आपका एक सॉल्यूशन में तो जरूर आएगा, एक इंटरवल में जरूर आएगा। तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि जल्दी से कोई भी मेरे को चैट बॉक्स में इसके अंदर का कोई भी एक वैल्यू बताओ। हम चेक करते हैं कि अगर हम इसमें से कोई भी एक वैल्यू निकालते हैं तो उससे मेरा इंटरवल
मेरा इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है। ओके, तो चैट में जैसे कि आयुष ने लिखा है 6, हर्ष ने लिखा है 7। चलिए हर्ष, अगर आप चैट में चैट कह रहा हूं इनइक्वालिटी के जो LHS वाला एक्सप्रेशन है उसमें अगर आप x का वैल्यू 7 रखते हो तो क्या इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहा है? सबको अपने मन में एक एक नंबर सोचो, कोई भी नंबर सोचो जो 3 से इंफिनिटी के बीच का नंबर है, 3 से इंफिनिटी के बीच का नंबर है, और आप उस नंबर को x के जगह पुट करो और देखो तो वो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है? आयुष आपने 6 बोला था, अगर आप x के जगह पे वहां 6 रखते हो क्या वो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहा है? x के जगह पे 6 रखा तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 36 माइनस 9 27, क्या 27 ग्रेटर देन 0 होता है? 27 ग्रेटर देन 0 होता है ना, इसका मतलब इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हुआ, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हुआ। आई थिंक बाकी लोगों ने भी इसको अपने मन में समझ लिया होगा। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि बेसिकली हम 3 से इंफिनिटी के बीच का कोई भी वैल्यू उठा रहे थे, 3 से इंफिनिटी के बीच का कोई भी वैल्यू उठाकर x के जगह पे रख रहे थे, तो मेरा एक्सप्रेशन हमेशा क्या निकल कर आ रहा था? मेरा एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव निकल कर आ रहा था। ठीक है, आदित्य कह रहा है वन मोर टाइम, आदित्य 3 से इंफिनिटी के बीच में, 3 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी एक नंबर सोचो, बताओ चैट बॉक्स में, 3 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी एक नंबर बताओ। फाइव, अब उस 5 को यहां पे रखो, वो एक्सप्रेशन जो है ना एक्स स्क्वायर माइनस 9 वहां पे रखो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बताओ? 25 आ रहा है, और 25 में से 9 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 16। अब आपको यही चेक करना होता है आदित्य कि वो एक्सप्रेशन पॉजिटिव आया कि नहीं। हम यही कह सकते हैं ना कि 16 ग्रेटर देन 0 होता है, हमारा इनइक्वालिटी जस्टिफाई हो रहा है, हमारा इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहा है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, आप 5 की जगह कोई और भी नंबर रखोगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा। हम यही देख रहे हैं ना कि x का ऐसा वैल्यू डाले ताकि x पर माइनस 9 हमारा पॉजिटिव हो। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? पॉजिटिव हो, राइट? ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो ये समझ पा रहे हो आदित्य? बताओ कि हम 16 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। यस गुलशन हैंड्रेस, ये बताओ यहाँ से x स्क्वायर माइनस 9 किए, यदि वहाँ आप 5 का वैल्यू पुट किए ना, हाँ, तो 16 आया, तो 16 4 का स्क्वायर है। उसी ठीक प्रकार यदि हम 7 का वैल्यू पुट करते हैं तो 49 माइनस 9 40 है, क्या यह सेटिस्फाई हो रहा है? हो रहा है, क्योंकि हाँ ये मायने नहीं रखता किसी का स्क्वायर है या ना है। हाँ वो देखो, आपको यहाँ पे कोई भी नंबर रखना है x का, और आपका फिर x स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, मतलब कुछ भी आप कोई भी नंबर बोलो ना, रैंडम कोई भी नंबर बोलो, कोई भी नंबर, 3 से इंफिनिटी छोड़ो, 8 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 64 में से 9 घटाओगे 55 हो जाएगा, 55 ग्रेटर देन 0 होता है, yes, होता है, तो वो आपका सॉल्यूशन में आएगा। और कोई नंबर बोलता हूं, मैं बोलता हूं x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 रखो वहां पे, 1 माइनस 9 कितना हुआ? माइनस 8, क्या वो ग्रेटर देन 0 होता है? नहीं होता, तो वो आपके सॉल्यूशन में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो आपके सॉल्यूशन में कब होगा गुलशन? जब x स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0 लिखा होगा ना, तब हम x का वैल्यू 1 को गिनेंगे आपके इंटरवल में। आ रही है बात समझ में? थैंक यू सर, वेलकम। आदित्य कह रहे कि सर बट इफ यू टेक 3 ऑन x देन इट विल बिकम 0। आदित्य ये तो फिर मैंने आपको बोला 3 से इंफिनिटी के बीच का पार्ट उठाना है, 3 से इंफिनिटी के बीच का पार्ट उठाना है। बिल्कुल, अगर हम x की जगह पे 3 रखते हैं तो वो 0 बन जाएगा, लेकिन क्योंकि हमारा इनइक्वालिटी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, हमारा इनइक्वालिटी के हिसाब से हम काम करेंगे, वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसीलिए हम x का वैल्यू 3 अगर आप रखते हो, x का वैल्यू 3 रखते हो तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0 हो गया, क्या 0 ग्रेटर देन 0 होता है? नहीं होता है। तो क्या हम x का जगह पे 3 रखना मेरा सॉल्यूशन में आना चाहिए क्या? नहीं आना चाहिए। आ रही है बात सबको समझ में?
एक्स के जगह पे तीन क्या मेरे सॉल्यूशन के अंदर आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। आपका सॉल्यूशन के अंदर वही इंटरवल रहेगा, वही एक्स की वैल्यूज रहेंगे जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, चलिए जल्दी से मुझे अब माइनस तीन से तीन के बीच का कोई भी वैल्यू बताओ। सचिन, माइनस तीन से तीन के बीच का कोई भी वैल्यू बताओ। जीरो। चलिए सचिन ने बोला है जीरो। सचिन, अब आप एक बार जीरो रखो उसके जगह पे। अगर आप जीरो रखते हो तो जीरो का स्क्वायर कितना हो गया? जीरो ही रहेगा। जीरो माइनस नौ कितना हुआ? माइनस नौ ही रहेगा। अब बताओ क्या माइनस नौ ग्रेटर देन जीरो होता है? नहीं होता है, माइनस नौ तो नेगेटिव है। ठीक है, आयुष ने चैट में बताया है टू। आयुष, अगर हम एक्स के जगह पे टू रखते हैं, टू का स्क्वायर कितना हो गया? चार। चार माइनस नौ कितना हो गया? माइनस पांच। क्या माइनस पांच हमारा ग्रेटर देन जीरो होता है? नहीं, नेगेटिव होता है ना। सनी ने लिखा है वन। सनी, एक्स की जगह वन रखेंगे तो वन माइनस वन स्क्वायर का वन ही हो गया, वन माइनस नाइन आठ, नेगेटिव है। आदित्य ने लिखा है चैट में माइनस वन। अगर आदित्य हम एक्स की जगह पे माइनस वन रखते हैं, माइनस वन का स्क्वायर वन हो गया, वन माइनस नौ माइनस आठ, अभी भी ये नेगेटिव हो रहा है। तो क्या आप सारे लोग, मानस ने लिखा है माइनस टू, मानस माइनस टू पुट करो, चार माइनस नौ माइनस पांच हुआ। क्या ये चीज आपको दिख रहा है कि अल्टीमेटली यहां से कोई भी वैल्यू उठा रहे हैं, इस इंटरवल से कोई भी वैल्यू उठा रहे हैं, हमको क्या मिल रहा है? हमारा एक्सप्रेशन नेगेटिव मिल रहा है, हमारा एक्सप्रेशन नेगेटिव मिल रहा है। अच्छा, अब इसकी बात कर लेते हैं, माइनस माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस तीन के बीच का। अमृता, ऋषु, अर्णव, मंजीत, मुझे चैट में माइनस इंफिनिटी से माइनस तीन के बीच का कोई नंबर बताओ। तो जैसे सनी ने लिखा है माइनस पांच। सनी, अगर अपन माइनस पांच वहां रखते हैं तो माइनस पांच का स्क्वायर करोगे तो 25 हो गया। 25 माइनस नौ कितना हो गया? 25 माइनस नौ हो गया 16। 16 ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव आ रहा है। मंजीत ने लिखा है माइनस सिक्स। मंजीत, अगर हम लोग माइनस सिक्स डालते हैं तो माइनस सिक्स का स्क्वायर कितना हो गया? 36 हो गया। 36 में से अगर हम नौ घटाते हैं तो कितना हो गया वो? 27 हो गया। 27 पॉजिटिव है। अमृता ने माइनस, अमृता अर्णव दोनों ने माइनस फोर डाला हुआ है। माइनस फोर का स्क्वायर करते हैं अगर हम लोग, अर्णव अमृता, 16 हो गया। 16 माइनस नौ हो गया 7। 7 ग्रेटर देन जीरो है, 7 ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव आ रहा है। प्रदीप ने माइनस तीन लिखा है। प्रदीप, अगर हम माइनस तीन वहां पे रखते हैं, माइनस तीन का स्क्वायर 9 हो गया, 9 माइनस नौ जीरो हो गया। जीरो क्या ग्रेटर देन जीरो होता है? नहीं होता है। तो ऐसे भी अगर आप ध्यान से देखोगे गाइज, तो हमको जीरो कहाँ कहाँ पे मिला है, हमको जीरो कहाँ कहाँ पे मिला है? तो हमको जीरो मिला है यहाँ पे, और हमको जीरो मिला है यहाँ पे, राइट? यहाँ पे एक जीरो आया है और यहाँ पे एक जीरो आया। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने उसको कैलकुलेट कैसे किया था, हमने उसको कैलकुलेट इसी तरीके से किया था कि वो वाला फैक्टर का वैल्यू जीरो कब होगा। और आप खुद सोचो ना, अगर दो चीज का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, उसमें एक जीरो हो गया, तो पूरा मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा? पूरा मल्टीप्लीकेशन भी तो जीरो हो जाएगा। तो प्रदीप, इसीलिए हम लोग जो पॉइंट है ना, ये जो माइनस तीन और तीन आया, इसको हम लोग बोलते क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो हम क्रिटिकल पॉइंट पे इंटरवल का वैल्यू बाद में देखते हैं, मतलब जो एक्सप्रेशन है, हम उसके बीच के इंटरवल्स पे पहले ध्यान देते हैं, हम उसके बीच के इंटरवल्स पे ध्यान देते हैं। ठीक है, सो आई थिंक सबने इतना समझ चुके हो कि अगर हम माइनस तीन से माइनस इंफिनिटी से माइनस तीन के बीच का कोई भी नंबर उठाते हैं, माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस तीन के बीच का कोई भी नंबर उठाते हैं, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो रहा था? हमारा एक्सप्रेशन हो रहा था पॉजिटिव। यस और नो? ये सारे आपके, आप ही के एग्जांपल्स लेकर हमने ये वेरीफाई किया, बताओ इतना पता चला है कि नहीं कि अगर हम इधर से कोई भी इंटरवल उठाते हैं, तीन से इंफिनिटी के बीच का कोई भी नंबर उठाते हैं, या फिर माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस तीन के बीच का कोई भी नंबर उठाते हैं, तो उस केस में हमारा एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन वही अगर हम माइनस तीन से तीन के बीच का कोई भी नंबर उठाते हैं, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। आदित्य ने पूछा कि सर, जीरो इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर नॉट नेगेटिव नंबर। यस ऑब्वियसली, बट मैंने कहां पे बोला कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव है? मैंने कहां पे बोला कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव है? इनफैक्ट पहली या दूसरी क्लास में मैंने खुद बताया आप लोगों को कि जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा, तो अब आपके दिमाग में आप खुद सोचो यार,
कि x square minus 9 greater than 0, मतलब x square minus 9 greater than 0, आप कह रहे हो कि सर मेरे पास जो पैसे है वो greater than 0 है, तो मैं क्या सोचूंगा, पॉजिटिव है ना, मैं क्या सोचूंगा कि आपके पास पॉजिटिव है पैसे। तो यहां पे भी जब हमने खुद ही आपके एग्जांपल से वेरीफाई किया है कि तीन से लेके इंफिनिटी के बीच से कोई भी एक्स का नंबर उठाते हैं या फिर माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस तीन के बीच का कोई भी नंबर उठाते हैं, तो हमारा इंटरवल वहां पे पॉजिटिव आ रहा है, हमारा एक्सप्रेशन वहां पे पॉजिटिव आ रहा है। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि मेरा एक्स स्क्वायर माइनस नाइन ग्रेटर देन जीरो के लिए, इसके लिए जो मेरा सॉल्यूशन होना चाहिए, इसके लिए जो मेरा सॉल्यूशन होना चाहिए वो कहां से कहां लाई करेगा, माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस थ्री, और या तो यहां से होना चाहिए या फिर थ्री से इंफिनिटी। बताओ लगता है कि नहीं आप लोगों को कि अगर हम चाहते हैं कि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो तो हम जो एक्स का वैल्यू उठाएंगे वो हमारा कहां से आना चाहिए, या तो माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस तीन के बीच का होना चाहिए या फिर तीन से इंफिनिटी के बीच का होना चाहिए। डू यू अग्री? क्या सबको एग्री करते हो? टेल मी यस इन द वो, बस यस पे क्लिक करो। कोई भी नंबर अगर हम वहां से उठाते तो हमारा इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस राइट। अब हम इसकी चेंजेस के ऊपर भी देखते हैं। फिर अब हम इसके चेंजेस के ऊपर देखते हैं। चेंजेस मतलब क्या? व्हाट कैन बी द डिफरेंट इनइक्वालिटी? बिकॉज अभी हमने नोटिस करो साइड में ग्रेटर देन जीरो था वो तो हमने बाद में देखा, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव वाली जो चीज थी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव वाली जो चीज थी। गुलशन पे अटेंशन यार, आई एम ऑलरेडी गोइंग वेरी स्लो गुलशन, ठीक है? तो यहां पे आपको पहले तो एक बार अनम्यूट करो खुद को। कहां पे नहीं समझ में आया बताओ? हाँ सर जान, लेकिन माइनस थ्री से इनफिनिटी तक, माइनस थ्री यहीं पे सर। देखो ज्वल, सबसे पहली चीज कि हम इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। इसका सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। सॉल्यूशन क्या होता है? परसों की क्लास में बताया था कि इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या होता है। बताओ परसों की क्लास में प्रेजेंट नहीं थे क्या? Yes, तो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देखे हो? अच्छा प्रेजेंट थे तब तो बनता है। आपको सॉल्यूशन का जब तक मतलब नहीं पता चलेगा ये वैल्यू कैसे समझ में आएगा? आपको समझना होगा सॉल्यूशन इज नथिंग। लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन क्या होता था? LHS इज इक्वल टू RHS। जैसे अगर हम यहाँ पे डालते हैं x प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव, तो आपसे पूछूंगा कि बताओ इसका सॉल्यूशन क्या है, तो आप क्या बताते हो? आप क्या बताते हो? x का वैल्यू कितना बताओगे? टू बताओगे, राइट? क्यों बताए हो x का वैल्यू टू? क्योंकि x का वैल्यू टू रखने से जो मेरा LHS है वो कितना बन रहा है? 2 प्लस 3 बन रहा है, 2 प्लस 3 हो गया 5, जो कि मेरा RHS होता है। ये हम लोग करते थे इक्वेशन में जब इक्वल टू का साइन होता था। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास इन इक्वेशन है। इन इक्वेशन में क्या होता है, आपको उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना होगा। अब जैसे आपका क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0, तो अब आप x की वो वैल्यू रखोगे जिसका स्क्वायर करने के बाद उसमें 9 घटाएंगे तो हमेशा वो ग्रेटर देन जीरो रहे, वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहे। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव वाली चीज मैंने क्या लिखी है ये बताओ? ये जो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव वाली चीज आप लोगों से वैल्यू पूछ के क्या था, ये था क्या ये बताओ? इसमें था सर, यदि 3 से हम इनफिनिटी के बीच कोई भी नंबर लेंगे तो वह पॉजिटिव आएगा। क्या पॉजिटिव आएगा? 3 से लेके इनफिनिटी तक के कुछ भी नंबर लेंगे तो उसका जब वैल्यू पुट करेंगे सॉल्यूशन पे तो पॉजिटिव आएगा वो। हाँ, तो वेरी गुड। मतलब 3 से इनफिनिटी के बीच अगर हम कोई भी नंबर उठाते तो x2 - 9 हमेशा पॉजिटिव रहेगा, राइट? अगर आप -3 से,
अगेन गाइस, हो सकता है किसी के मन में डाउट हो, हम ये नहीं कह रहे कि 3 से इंफिनिटी के बीच का कोई भी नंबर पॉजिटिव ही है। ऑब्वियस ही बात है 3 से इंफिनिटी का नंबर पॉजिटिव है, लेकिन -3 से 3 के बीच में भी पॉजिटिव नंबर है। हम ये कह रहे हैं कि 3 से इंफिनिटी के जगह पे कोई भी वैल्यू उठाते हो और उसको अगर x के जगह पे रखते हो तो आपका x²-9 हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन वही जब हम -3 से 3 के बीच का कोई नंबर उठाते हैं, हम -3 से 3 के बीच का कोई नंबर उठाते तो वो नंबर क्या होता है, वो नंबर हमारा, उसके कारण हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। और लास्टली -∞ से -3 के बीच से फिर से अगर हम कोई भी नंबर उठा रहे हैं, -5, -10 कुछ भी, उसके कारण हमारा x²-9 ये एक्सप्रेशन क्या आता है, ये एक्सप्रेशन आता है पॉजिटिव, राइट। तो अल्टीमेटली गुलशन, हमको क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या निकालना था, ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जहां पे मेरा x²-9 ग्रेटर देन 0 हो। और हमने आपके सामने अलग अलग वैल्यूज लेके चेक किया कि यहां से कोई वैल्यू उठा रहे तो पॉजिटिव आ रहा है, यहां से कोई वैल्यू उठा रहे हैं तो एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो रहा है। तो अगर हमको इसका सॉल्यूशन लिखना हुआ, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखना हुआ, तो हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा, -∞ से -3 यहां से कोई वैल्यू आना चाहिए या फिर और 3 से इंफिनिटी आना चाहिए। इज दिस क्लियर? इसी के बीच का हम कोई नंबर उठाएंगे तभी ना हमारा इक्वेशन सही हो रहा है। तो ये ही सॉल्यूशन बन जाएगा। क्योंकि देखो, मैंने पहली क्लास में हम लोगों ने आपसे पूछा था कि इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के बीच में अंतर क्या है, तो हमने वहां पे क्या बात किया था, हमने बात किया था कि इक्वालिटी में क्या होता है, तो हमको फिक्स नंबर ऑफ वैल्यू मिलता है। लेकिन इनइक्वालिटी में क्या होता है, तो हमको एक इंटरवल मिलता है। तो यही तो इंटरवल है, यही वो इंटरवल है। -∞ से -3 के बीच का कोई भी वैल्यू उठाइए, ये एक इंटरवल है। 3 से इंफिनिटी ये दूसरा इंटरवल है। तो इन दो इंटरवल में से अगर हम कोई भी वैल्यू उठाते हैं तो उससे मेरा इनइक्वेशन क्या हो रहा है, हमेशा सेटिस्फाई हो रहा है, उससे हमारा इनइक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई हो रहा है। बताइए क्या ये चीज क्लियर है आप सबको? टेल मी स्टूडेंट्स, इज द सॉल्यूशन क्लियर? गुलचन क्या आप क्लियर है? अगर अभी भी किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग ऑन द सेकेंड साइड। चलिए क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अभी उसको कंप्लीट करने से पहले और भी कुछ चीजों के ऊपर मुझे बात करनी है। तो फाइनली अगर हम पीछे वाले क्वेश्चन को देखें, तो हमारे पास क्वेश्चन था x²-9 ग्रेटर देन 0। हमने उसको दो लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक किया, x-3 × x+3। यहां से हमको दो रूट्स मिले। हमने उन रूट्स को यहां पे प्लॉट किया नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है, हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट किया। फिर हमने ये इस तरीके से प्लॉट करने के बाद यहाँ पे आया -3, यहाँ पे आया +3, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि इसमें से अगर कुछ भी पार्ट उठा रहे तो पॉजिटिव आ रहा है, इधर से कुछ भी उठा रहे तो नेगेटिव आ रहा है, इधर से कुछ भी उठा रहे तो पॉजिटिव आ रहा है। फिर आप में से कुछ लोगों ने x का वैल्यू 3 भी रखा था और x का वैल्यू -3 भी रखा था। तो 3 पे क्या हो रहा था यार, 3 पे क्या हो रहा था, 3 पे एक्सप्रेशन 0 हो जा रहा था, 3 पे एक्सप्रेशन 0 हो जा रहा था। यहां पे भी क्या हो रहा था, ये -3 पे भी एक्सप्रेशन 0 हो जा रहा था और 3 पे भी एक्सप्रेशन 0 हो जा रहा था। तो आप इसको ऐसे याद रखना कि ये जो पॉइंट्स हमने प्लॉट किया ना, जो रूट्स हमने प्लॉट किया, इसको हम क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। आगे से मैं क्रिटिकल पॉइंट बोलूंगा, तो क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट पे हमारा एक्सप्रेशन हमेशा 0 होता है, क्रिटिकल पॉइंट पे हमारा एक्सप्रेशन हमेशा 0 होता है। उज्जवल बता रहा हूं अभी। अब देखो गाइस, अब यहां पे पॉसिबल क्वेश्चंस क्या क्या है, मैं आपको वो दिखाता हूं। सबसे पहले x²-9 > 0 ये हो सकता था, या फिर x²-9 > 0 हो सकता था, या फिर x²-9
लेस देन जीरो हो सकता था, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन लेस देन इक्वल टू जीरो हो सकता था। तो अभी से आप सबको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसमें इन चारों का आंसर निकालना है। और अच्छी बात ये होती है स्टूडेंट्स की, हमारा प्रोसेस सेम होता है, सिर्फ लास्ट स्टेप में सारे चेंज होता है। लास्ट स्टेप चेंज होता है हमारे इनइक्वालिटी के साइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे देखिए, ये जो हमने पॉइंट्स वगैरह निकाला है, हमने पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लिखा, ये हमने एक ही चीज को देख के लिखा था, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। हमने किसको देख के लिखा था? एक्स स्क्वायर माइनस नाइन को देख के लिखा था। अब यहां देखिए कि मैं इन सबका सॉल्यूशन लिखता हूं, अच्छा अब सॉल्यूशन लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा सबको। पहले वाले का एक्स स्क्वायर माइनस नाइन ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है आपको चाहिए पॉजिटिव। तो मेरा सॉल्यूशन कहां से आएगा? मेरा सॉल्यूशन आएगा माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस तीन, या तो इधर से होगा या फिर तीन से लेके इंफिनिटी के बीच का होगा, है कि नहीं? प्लीज ऑब्जर्व करो मैंने कौन से ब्रैकेट्स लगाए हैं, ये सारे ओपन ब्रैकेट हैं। अब जो लोग फर्स्ट क्लास कर रहे हैं उनको यहां दिक्कत होगी, क्योंकि ब्रैकेट्स वाली चीज हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस की थी, सेकेंड क्लास में रिवाइज करवाया था, और थर्ड क्लास में अब उसका सीधा यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस नाइन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इसका मतलब पॉजिटिव भी चाहिए और जीरो भी चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बताया था मैंने कल की परसों की क्लास में, पॉजिटिव भी चाहिए और इक्वल टू जीरो भी चाहिए। तो अब आपका जानते हो आंसर क्या होगा? पहले तो आप हमेशा इसको सॉल्व करने का टेक्निक क्या होता है, इक्वल टू जीरो को भूल जाओ, और पहले ग्रेटर देन जीरो का सॉल्व करो, इक्वल टू जीरो का भूल जाओ और पहले ग्रेटर देन जीरो को सॉल्व करो, ठीक है। अब आप देखो कि आपका एक्सप्रेशन जीरो कहां कहां पे हो रहा है। क्या बोला मैंने, पिछला वाला क्वेश्चन था ग्रेटर देन जीरो, अभी वाला क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। मैं आपको कह रहा हूं कि थोड़े टाइम के लिए जब सॉल्यूशन लिख रहे होगे ना, तो ये भूल जाइएगा कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कहां कहां पे हो रहा है। पहले आप ग्रेटर देन जीरो का सॉल्यूशन लिख लो। अब आप बताओ कि एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो कहां कहां पे हो रहा है, एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो कौन सा पॉइंट पे हो रहा है? तो वो पॉइंट है माइनस तीन और तीन, अच्छा अभी जो मैंने ये वाला लिखा है, ये रिप्रेजेंटेशन में क्या है गाइस, माइनस तीन और तीन के साइड में लगाया है मैंने ओपन ब्रैकेट, बोलो या सिंपल ब्रैकेट बोलो। सिंपल ब्रैकेट क्या करता है, वो उस पॉइंट को काउंट नहीं करता है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है। सो अब इसके कारण क्या चेंज होता है बताओ चैट बॉक्स में, क्या चेंज होता है ब्रैकेट में, क्या लगेगा? वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड उज्ज्वल, हाँ यस अमृत, यस मानस, क्लोज ब्रैकेट लगेगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा अब यहां पे। तो ये ब्रैकेट हो गया ये वाला। जो स्टूडेंट्स आज पहली क्लास कर रहे हैं, आप जाकर हमारी लास्ट दो क्लासेस का रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा, ताकि आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आए। आई कैन नॉट रिपीट इट राइट नाउ, हमने इसके ऊपर आधे घंटे से ऊपर ज्यादा खर्च किया था पिछले क्लासेस में। ओके, अब आते हैं यहां पे तीसरा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन लेस देन जीरो। तो अब आप अपने एक्सप्रेशन को क्या चाहते हो, अब आप चाहते हो कि आपका एक्सप्रेशन नेगेटिव हो, है ना? अब आप चाहते हो कि आपका एक्सप्रेशन का वैल्यू नेगेटिव हो। नेगेटिव कहां पे हो रहा था, माइनस तीन से तीन के बीच में, हो रहा था नेगेटिव, है कि नहीं? अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन लेस देन इक्वल टू जीरो। अब लेस देन इक्वल टू जीरो में मैंने फिर से क्या टेक्निक बताया कि इक्वल टू जीरो को पहले भूल जाओ, लेस देन जीरो के लिए सॉल्व करो। तो लेस देन जीरो के लिए सॉल्व करेंगे तो वही आता जो ऊपर आया था, माइनस तीन से तीन। अब आप सोचो कि आपका इक्वल टू जीरो कहां कहां पे होता है, तो इक्वल टू जीरो तो माइनस तीन पे और तीन पे है। इक्वल टू जीरो कहां कहां पे है, माइनस तीन और तीन पे है। तो अब हमको उसके कारण क्या करना पड़ेगा, हमको उसके जगह पे ब्रैकेट चेंज करना पड़ेगा, सिंपल ब्रैकेट से हमको स्क्वायर ब्रैकेट पे जाना पड़ेगा, है ना?
सिंपल ब्रैकेट से हमको स्क्वायर ब्रैकेट पे जाना पड़ेगा। तो ये मेरा सॉल्यूशन बन रहा है, ये मेरा सॉल्यूशन बन रहा है। पता चला है क्या, समझ में आया? नोटिस किया हो कि भले चार अलग अलग क्वेश्चन थे, सॉल्व करने का तरीका हर जगह सेम था, सॉल्व करने का तरीका एग्जैक्टली सेम था। क्या सबको समझ में आया है ये गाइस? दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर इनइक्वालिटी के ऊपर। ठीक है, अब अभी भी मैंने वेबी का मेथड में, सुनो अब हम यहां पे वापस आते हैं, समझ में? सब कोई चैट में लिख रहे हैं यस 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 यस, चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। अब देखो गाइस, हमने वेबी कर्व मेथड का स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 फॉलो किया, लेकिन क्या मैंने आपको स्टेप नंबर 5 समझाया पूरा? नहीं समझाया मैंने आप लोगों को, स्टेप नंबर 5 आधा समझाया। मैंने बोला कि स्टेप नंबर 5 के हिसाब से हम स्टेप नंबर 4 में जो भी रूट्स आए हैं, जैसे यहाँ पे स्टेप नंबर 4 में जो भी रूट्स आए हैं, उन रूट्स को हम प्लॉट करेंगे, उन रूट्स को हम प्लॉट करेंगे, प्लॉट करके हम देखेंगे कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव। वेबी कर्व मेथड यहाँ पे भी हेल्प करता है हमें। कैसे हेल्प करता है वो हम अगले इस क्वेश्चन में आपको समझाते हैं। हर्ष मतलब ये मैं आपको सारे डिफरेंट केसेस समझा रहा हूं, ठीक है? आदित्य पूछा सर लेस देन जीरो में तो इनइक्वालिटी टू माइनस इंफिनिटी भी तो हो सकता है ना। आदित्य इसका मतलब है, फिर आप ध्यान नहीं दे रहे हो यार, आप लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव होता है, आप कह रहे हो माइनस इंफिनिटी से माइनस तीन। मैंने फिर से बताया हम एक्सप्रेशन नेगेटिव चाहते हैं, कहीं पे भी क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि आप एक्स का वैल्यू नेगेटिव बताओ, कहीं पे भी क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि आप एक्स का वैल्यू नेगेटिव बताओ, क्वेश्चन कह रहा है एक्स का ऐसा वैल्यू बताओ जिसके कारण पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव हो रहा है। और अगर आपको अभी भी डाउट है तो क्लास के बाद रिकॉर्डिंग को देखिएगा, क्योंकि आप बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहे हो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, एक्स एक्स जो वैल्यू है वो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, एक्स की वैल्यू डालकर पूरा एक्सप्रेशन क्या बन रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। और आप कहां पे फंसे हुए हो? आप फंसे हुए हो कि एक्स का वैल्यू अगर नेगेटिव रखेंगे तो मेरा पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। ये पॉजिटिव क्यों लिखा है फिर मैंने, ये पॉजिटिव क्यों लिखा है? क्लास के बाद की रिकॉर्डिंग देखिएगा ताकि क्लियर होगा आपको, ठीक है? आई थिंक सबको ये समझ रहे हो कि इट्स एक घंटा हो गया एंड वी आर स्टिल ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन, तो मैं कछुए की स्पीड में जा रहा हूं, स्पीड से हम लोग जेई तो 4-5 साल में निकालेंगे। आप लोगों को अपना स्पीड बिल्डअप करना पड़ेगा, और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोगों का फोकस नहीं जा रहा अच्छे से, यू हैव टू डेवलप योर फोकस। आज आपको ऐसे भी अच्छे खासे क्वेश्चंस दूंगा मैं सॉल्व करने के लिए। सो नाउ अब आते हैं यहां सेकंड क्वेश्चन जो हमने लिया था। सेकंड क्वेश्चन में हमने स्टेप 1, 2, 3, 4 जैसे फॉलो करते थे वैसे ही फॉलो किया है, ठीक है? जैसे हम लोग फॉलो करते थे वैसे ही फॉलो किया है, लेकिन अब बेबी कर्व मेथड का फायदा देखो। हम लोगों ने यहां पे जब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर रहे थे तो मैं आप लोगों से नंबर पूछ रहा था और हम फिर उन नंबर्स पे इनइक्वालिटीज का साइन चेंज कर रहे थे, राइट? वेबी कर्व मेथड कहता है कि अगर आपने ये सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं 1 से लेके 4 तक, तो ऑटोमेटिकली आप कह सकते हो कि आपका राइट मोस्ट इंटरवल से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा एक्सप्रेशन का, और फिर नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे चलते रहेगा, ठीक है? नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से चलते रहेगा। आ रही है बात समझ में? क्या बता रहा हूं मैं? कह रहा हूं कि अगर हमने वेबी कर्व मेथड को फॉलो किया है स्टेप 1 से लेकर स्टेप 4 तक, वेबी कर्व मेथड को फॉलो किया है स्टेप 1 से लेकर स्टेप 4 तक, और स्टेप 5 में जब आपने नंबर लाइन पे उन रूट को प्लॉट कर दिया ना, तो जो राइट मोस्ट इंटरवल होता है ना, राइट मोस्ट इंटरवल, वहां से हमेशा आपका एक्सप्रेशन पॉजिटिव ही निकल कर आता है। आपको वैल्यू चेक नहीं करना है पुट कर करके, 4 से इंफिनिटी के बीच का कोई भी वैल्यू उठाकर हमको देखने की जरूरत
नहीं है, हम सिंपली वहां पे क्या कह सकते हैं, सिंपली कह सकते हैं कि ये वेबी का मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा राइट मोस्ट इंटरवल से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा एंड पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से चलेगा। ठीक है, दो तीन क्वेश्चंस करेंगे अब जल्दी जल्दी ताकि ये चीज आपको और थोड़ा सा क्लियर हो। सो अगेन बाकी सॉल्यूशन लिखना तो जिस तरीके से यहाँ पे लिखे थे उसी तरीके से यहाँ पे भी लिखाएगा ये। ठीक है, तो चलो अब जल्दी से बढ़ते कुछ अगले क्वेश्चंस की तरफ। आइए चलिए, मैं आपको पांच मिनट ज्यादा हो जाएगा, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसको सॉल्व करके बताओ, इसका आंसर लिख कर बताओ, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसका आंसर लिख के बताओ। क्वेश्चन टू उज्ज्वल में जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन टू था ना वो इसके बाद आएगा। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड अमृता, वेरी गुड सनी, आंसर सही आप लोगों के। अमृता आपने ब्रैकेट नहीं लगाया, क्या ब्रैकेट आएगा उधर, ओपन ब्रैकेट रहेगा या स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा? आंसर जब दोगी ना तो ब्रैकेट भी इन्वॉल्व करो, क्योंकि आपको पता है कि इंटरवल्स में ब्रैकेट्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। सचिन सही है, सचिन पहले सनी ने आंसर दिया था, अभी सचिन ने आंसर दिया है, ग्रेट। 3 लोगों के आंसर आ चुके हैं मेरे पास। यस अमृता ब्रैकेट सही है ये बोला, बाकी लोग क्वेश्चन लिख चुके हो ना, तो मैं एक बार आपको ले चलता हूं यहां पे वेबी कब मेथड के स्टेप्स पे। वेबी कब मेथड का पहला स्टेप कहता था फैक्टराइज कीजिए, तो फैक्टराइज तो ऑलरेडी करके दे दिया मैंने, वो कहता था। दूसरा स्टेप में कहता था x का कोफिशियंट पॉजिटिव बनाइए, मैंने वो भी पॉजिटिव दिया हुआ है। तो हमने जो अभी क्वेश्चन मैंने आपको दिया है उसमें स्टेप 1 स्टेप 2 करने की जरूरत नहीं है, स्टेप 3 भी करने की जरूरत नहीं है। स्टेप 4 क्या कहता है, स्टेप 4 कहता है कि जो लीनियर फैक्टर्स बनाए हो वहां से उसके रूट्स निकालिए, तो रूट्स निकाल लोगे। स्टेप 5 क्या कहता है कि उसको प्लॉट कीजिए, नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए, राइट मोस्ट इंटरवल पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे ऑल्टरनेट चलेगा। हर्ष गलत है, उज्ज्वल गलत है, अमृत गलत है, इनफैक्ट आप सबने सेम ही आंसर दिया है, उज्ज्वल हर्ष अमृत सेम आंसर दिया है, तीनों गलत हो रहा है। देखो कहां पे गलती हो रही है, अगर हम वेबी कब मेथड के हिसाब से बात करें ना, वेबी कब मेथड के हिसाब से बात करें तो स्टेप वन से लेके स्टेप थ्री आर नॉट नीडेड हियर, are not needed here, ठीक है? Then उसके बाद आपको स्टेप 4 में क्या बोला जाता है, उसके रूट्स निकालिए, है ना? स्टेप 4 कहता है रूट्स निकालिए, कैसे निकालोगे? देखो यार अभी पहली बार है तो लिख लिख के दिखा रहे, बट क्या होता है थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आप आसानी से बता सकते हो कि x प्लस 1 जीरो होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, माइनस 1 होगा, और x माइनस 1 अगर सॉरी कितना दिया है, x माइनस 2 दिया है, तो x x माइनस 2 अगर इक्वल टू जीरो होगा तो x कितना निकल कर आएगा,
एक्स टू निकल कर आएगा, तो आपके दो रूट्स क्या हुए, एक हुआ माइनस वन दूसरा हुआ टू, एक हुआ माइनस वन और दूसरा हुआ टू, तो ये अपना स्टेप फोर था। स्टेप फाइव क्या कहता है, स्टेप फाइव कहता है कि उन रूट्स को प्लॉट कीजिए, तो माइनस वन यहाँ आएगा और टू यहाँ आएगा, और जब हम इसी तरीके से फॉलो करते हैं, इसी तरीके से फॉलो करते हैं, तो हमारा राइट मोस्ट इंटरवल क्या होता है, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, है कि नहीं? क्या इस बार हमको पुट करने की जरूरत है वैल्यू चेक करने की? नहीं, वेबिकॉप मेथड के सारे स्टेप फॉलो किए तो राइट मोस्ट इंटरवल, एकदम राइट में जो इंटरवल है वहां पे पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव पॉजिटिव का अल्टरनेट चलते रहेगा। तो उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि मेरा अब आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन ने आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, चैट में देखता हूँ, मानस अभी भी गलत है, रिशु गलत है, रिशु माइनस तीन तो आएगा भी नहीं, माइनस तीन तो आपका पॉइंट ही नहीं आएगा। गुलशन वेरी गुड, सही है गुलशन, आयुष सही है आपका आंसर, अर्णव आपका आंसर भी सही है, ओके, तो अभी तक कितने लोग, उज्जवल अब आंसर सही है आपका, तो उज्जवल, आयुष, गुलशन, अर्णव, चार हो गए, आयुष का नाम ले चुका हूं ना, चार, उसके बाद अमृता, सचिन, छह लोगों ने सही आंसर दिए अभी तक। देखो गाइस, तो अब यहां पे आपको देखना है कि आपका एक्सप्रेशन आप क्या चाहते हो, आपकी इनइक्वालिटी में आप चाहते हो कि वो जो एक्सप्रेशन है वो लेस देन जीरो हो, आपके एक्सप्रेशन के हिसाब से आप क्या चाहते हो कि आपका वो लेस देन जीरो हो, तो लेस देन जीरो के लिए जो सॉल्यूशन बनेगा, लेस देन जीरो के लिए जो सॉल्यूशन बनेगा या इंटरवल, सॉल्यूशन तो चल ही रहा था, इंटरवल बनेगा, वो इंटरवल क्या होने वाला है, तो नेगेटिव कहां पे दिख रहा है, लेस देन जीरो का मतलब क्या है गाइस, नेगेटिव ना, नेगेटिव कहां दिख रहा है, मंजीत गलत, मानस नेगेटिव कहां दिख रहा है अभी, रिशु नेगेटिव कहां दिख रहा है, मानस नेगेटिव के प्लस, यार क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे अपने सॉल्यूशन पे नहीं, तुमने अपना सॉल्यूशन गलत किया है, नेगेटिव मतलब क्या है कि एक्सप्रेशन नेगेटिव कहां पे हो रहा है, अगेन आप भी वही गलती कर रहे हो जो आदित्य कर रहा था, नेगेटिव का मतलब ये नहीं होता है गाइस कि आप एक्स की वैल्यू नेगेटिव उठा रहे हो, नेगेटिव मतलब पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव कहां पे हो रहा है, पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव हो रहा है माइनस वन से टू के बीच में, वेरीफाई कर लो ना, किसी को अगर दिक्कत हो रही है तो वेरीफाई कर ले, कैसे वेरीफाई करोगे, यहां से कोई एक वैल्यू उठा लो, मान लो यहां से मैंने वैल्यू उठाया माइनस तीन, ठीक है, चेक करो गाइस, चेक करो, माइनस तीन उठाते हो तो ये कितना बन जाएगा, माइनस तीन प्लस दो कितना हो गया, ये माइनस टू हो गया, यहां पे कितना हो गया है, माइनस तीन माइनस दो माइनस पांच हो गया, देखिए तो माइनस माइनस दो इंटू माइनस पांच कितना हो गया, माइनस दो इंटू माइनस पांच कितना हो गया, प्लस टेन हो गया, क्या प्लस टेन आपका लेस देन जीरो होता है, बोलो प्लस टेन आपका लेस देन जीरो होता है क्या, नहीं होता है ना, तो आपके सॉल्यूशन में वो आना चाहिए, जितने लोग आप में से जितने लोग जैसे मानस खूब गलत आंसर दिए, आप उसमें से कोई भी वैल्यू उठा के देखते हैं ना, उसमें से कोई भी वैल्यू उठा के देखते हैं कि और पुट करके देखते हैं कि सही हो रहा है कि नहीं, मंजीत सेम आपके साथ भी, आप उसमें से कोई भी वैल्यू उठाकर देखते पुट करके देखते वेरीफाई करने के लिए, तो ही आपको पता चल जाता आपका सॉल्यूशन सही है कि गलत है, सबसे अच्छी बात तो इसकी यही है कि उसका आंसर वेरीफाई करना बड़ा आसान है, तो आप देख सकते हो कि यहां से इंटरवल क्या निकल कर आ रहा है, पॉजिटिव निकल कर आ रहा है। अब यहां से उठाते हैं माइनस वन से टू के बीच में, तो माइनस वन से टू के बीच में जीरो उठा सकते हैं, माइनस वन से टू के बीच में जीरो उठा सकते हैं, जीरो को इधर प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, जीरो प्लस वन वन एंड जीरो माइनस टू हो गया माइनस टू, तो वन इंटू माइनस टू अल्टीमेटली कितना हुआ, वन इंटू माइनस टू अल्टीमेटली माइनस टू ही तो रहा, वन इंटू माइनस टू अल्टीमेटली माइनस टू ही तो रहा, तो क्या बना ये, नेगेटिव हुआ कि नहीं, पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव हुआ कि नहीं। अब आते लास्ट वाला इंटरवल, लास्ट वाला इंटरवल क्या है, दो से इंफिनिटी वाला, दो से इंफिनिटी में मान लो हमने पांच उठा लिया, दो से इंफिनिटी में हमने पांच उठा लिया, पांच को प्लॉट करो यहां पे,
तो 5 प्लस 4 कितना हुआ, 5 प्लस 1 सॉरी 6, और 5 माइनस 2 कितना हुआ, तो 4, 6 इंटू 4 कितना हो गया 24, 24 ग्रेटर देन 0 होता है ना, 24 ग्रेटर देन 0 होता है कि नहीं, ठीक है। रिशु पूछ रहे 1 हो तो, रिशु अभी भी वही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला रिशु, आप कह रहे हो कि इसके बीच से हमने 1 उठाया, चलो 1 उठा के डालो, 1 प्लस 1 कितना हुआ इधर 2 हुआ, और 1 माइनस 2 कितना हुआ माइनस 1 हुआ, तो 2 इंटू माइनस 1 अल्टीमेटली कितना बना, 2 इंटू माइनस 1 अल्टीमेटली कितना बना माइनस 2, लेस देन 0 हो रहा है कि नहीं, लेस देन 0 हो रहा है। तो आप लोगों को सबसे पहले समझना पड़ेगा, वेबी कप मेथड इतने अच्छे से आपको बता दे रहा है कि अगर आपने स्टेप 1 से लेकर स्टेप 4 सही तरीके से फॉलो किया है, तो नंबर लाइन पे पॉइंट को प्लॉट कीजिए, क्रिटिकल पॉइंट को, और राइट वाला इंटरवल हमेशा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव का अल्टरनेट चलेगा। कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन थे वो हम बाद में देखेंगे, बट सारे फैक्टर्स अगर लीनियर है, सारे फैक्टर्स अगर लीनियर है, सारे फैक्टर्स के ऊपर पावर ऑड है, तो उस केस में आपका ये हमेशा प्लस माइनस ऐसे ऑल्टरनेट चलते रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और, तो फाइनली अभी इसका सॉल्यूशन अगर लिखे इंटरवल का, तो नेगेटिव है इसलिए क्या आएगा आंसर, माइनस 1 से 2 ओपन ब्रैकेट, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो गाइस, ये क्वेश्चन आपको किस तरीके से हेल्प करता है, लेट मी टीच यू। x माइनस 1, x प्लस 2, x माइनस 3, x प्लस 4, x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। सोचो मेरे को इसको सॉल्व करना है, चलो ट्राई करो, सोचो मुझे इसको सॉल्व करना है। गलत है उज्जवल, अगर मैं यहां पे रूट्स की बात करूं, सबके अपने अपने रूट निकलेंगे, वेरी गुड सनी, आयुष गलत है। देखो गाइस, पहले तो आप इसके रूट्स निकालोगे। देखो मैंने फिर से आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है जहां पे स्टेप 1 नहीं करना पड़ा है, ऑलरेडी फैक्टर में फॉर्म में है, आपको स्टेप 2 नहीं करना है, सारे x के कोफिशिएंट को मैंने पॉजिटिव रखा है, कहीं पे भी आपको माइनस 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो कहने के लिए स्टेप 1 से लेकर स्टेप 3 कुछ नहीं करना है, सीधा आते हैं स्टेप 4 पे। स्टेप 4 क्या कहता है, रूट्स निकालिए, x माइनस 1 का रूट क्या निकलेगा 1, x प्लस 2 का रूट क्या निकलेगा माइनस 2, x माइनस 3 का रूट क्या निकलेगा प्लस 3, x प्लस 4 का रूट क्या निकलेगा माइनस 4, एंड x माइनस 5 का रूट क्या निकलेगा, तो दैट विल बी प्लस 5। तो अल्टीमेटली हमारे पास रूट्स क्या क्या आए हैं, 1 माइनस 2 3 माइनस 4 5, ठीक है। अब ये रूट्स आपको क्या बोला जाता है, उसके बाद क्या करना है आपको, आपको प्लॉट करना है नंबर लाइन के ऊपर, आपको प्लॉट करना है नंबर लाइन के ऊपर। कैसे प्लॉट करते हैं हम लोग, तो सबसे बड़ा वाला एकदम राइट साइड में जाता है सबसे पहले, तो जो मेरे पास रूट्स आए हैं उसमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है 5, तो 5 यहाँ आएगा, उसके लेफ्ट में आएगा 3, उसके लेफ्ट में आएगा 1, उसके बाद आएगा माइनस 2, और उसके बाद आएगा माइनस 4, ठीक है।
यस मृगंग सही है। अब देखो अगर हमने सारे स्टेप्स फॉलो किए वेवी कर्व का, तो वेवी कर्व मेथड क्या कहता है, वो कहता है कि हमारा जो राइट मोस्ट इंटरवल होगा वहां से पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा एक्सप्रेशन का, यहां से नेगेटिव वैल्यू निकलेगा, यहां से पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा, यहां से नेगेटिव वैल्यू निकलेगा, यहां से पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा, यहां से नेगेटिव वैल्यू निकलेगा। अब बताओ क्या मेरे को पुट करने की जरूरत है, क्या मैं माइनस टू से वन के बीच का कोई नंबर उठा के पुट करके देख रहा हूँ कि वह पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नहीं, क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वेवी कर्व मेथड वर्क करता है। वेवी कर्व मेथड की अगर हमने स्टार्टिंग के चार स्टेप फॉलो किए हैं तो पांचवा स्टेप यही कहता है कि रूट्स को प्लॉट कीजिए और राइट मोस्ट इंटरवल से आपको पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा एक्सप्रेशन का, और फिर पॉजिटिव नेगेटिव का ऑल्टरनेट चलेगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव का ऑल्टरनेट चलेगा। आ रही है बात समझ में? और अब मान लो कि मुझको इसका सॉल्यूशन लिखना है, इंटरवल लिखना है। अब मुझको यहाँ पे इंटरवल लिखना है, तो इंटरवल के हिसाब से अगर हम बात करें, तो हमारा हमको क्या चाहिए क्वेश्चन में, इनइक्वालिटी का साइन। अब देखो, अच्छा नोटिस किया, अभी तक मैंने इनइक्वालिटी का साइन नहीं देखा था। अब इनइक्वालिटी का साइन देखो, ग्रेटर देन जीरो चाहिए, ग्रेटर देन जीरो चाहिए, तो आपको क्या उठाना है, पॉजिटिव पॉजिटिव वाले उठाने हैं। तो पॉजिटिव वाला पहला कहाँ दिख रहा है, ये माइनस फोर से टू दिख रहा है, तो माइनस फोर से टू का ये यहाँ, या तो यहां से उठाएंगे या फिर वन से लेके थ्री के बीच से उठाएंगे, या फिर फाइव से इंफिनिटी के बीच से उठाएंगे। डू यू अग्री? अल्टीमेटम वैल्यूज कहां कहां से उठाएंगे, या तो माइनस फोर से माइनस टू के बीच का कोई भी वैल्यू उठाओ, पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, या फिर वन से थ्री के बीच से कोई भी एक्स की वैल्यू उठाओ, हमेशा पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव रहेगा, या फिर पांच से इंफिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू उठाओ, एक वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अगर मान लो, आई थिंक इसके बाद आप समझ रहे हो कि अगर नेगेटिव होता, अगर लेस देन जीरो होता है इनइक्वालिटी, तो हम कौन सा पिक करते, हम माइनस इंफिनिटी से माइनस फोर, माइनस टू से माइनस वन एंड थ्री से फाइव पिक करते। ठीक है, सो स्पीड बहुत कम है क्लास में, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली लो ऑनेस्टली अगर बोलो तो। आई एम डिसअपॉइंटेड, आज की क्लास में जितना मैं कराना चाहता था मैं उसका 50% ही करा पाया हूँ, ज्यादा टाइम भी नहीं बचा हुआ है, बट स्टिल चलो एक और क्वेश्चन के साथ हम क्लास को एंड करते हैं, चाहे इसमें जितना टाइम लगे। बट गाइस हालत बहुत खराब है, आप लोगों को गलती मतलब आपकी भी नहीं है, सिचुएशन ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने पिछले 3-4 महीने में मेनली पढ़ाई वढ़ाई नहीं की है, तो फोकस कर पाना आपके लिए अभी मुश्किल हो रहा है। अब इसका इकलौता उपाय यही है कि घर पे ना फोन को अलग रखकर 2 घंटा बैठकर पढ़ने की कोशिश करना, ये आप सबके लिए सिंपल सा सजेशन है, क्योंकि इस तरीके से मतलब जेई करना, आप समझ रहे हो, जेई छोड़ो ना, 12th का बोर्ड एग्जाम्स करना, आप लोगों ने अनफॉर्चुनेटली आपको बोर्ड एग्जाम देने का मौका नहीं मिला है, तो आपको वो पता ही नहीं है कि सीरियसनेस क्या होता है या माहौल या फोकस कैसे डालना है। आप लोगों का सिंपल अब जो टारगेट होना चाहिए, पहले टॉपिक तो तभी ना समझ में आएगा जब 1-1.5 घंटे की हमारी क्लास चल रही है, और उस 1.5 घंटे में आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छे से लगा, और उसके लिए सिर्फ इस 1.5 घंटे की पढ़ाई से नहीं होगा, आपको घर पे भी अब पढ़ना शुरू कर देना होगा, और जब घर पे पढ़ रहे होगे तो सबसे पहली चीज फोन से नहीं पढ़ना होगा। हमने क्लास में समझा दिया, यहाँ पे रिकॉर्डिंग देखने के लिए कर लिया, फिर उसको साइड रख दो, डिस्ट्रैक्शन, अभी फोन चला, फोन में आप क्लास देख रहे हो, मान लो किसी का व्हाट्सएप का मैसेज आया, ध्यान आपका उधर चला गया, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। इसका उपाय क्या है कि जब आप क्लास को ऑन करते हो ना, उस टाइम पे व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, टेलीग्राम का नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, फेसबुक जो भी मतलब सोशल मीडिया सबका नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, ताकि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ क्लास पे जाएगा। इसी तरीके से आप लोग इम्प्रूव करोगे, बिकॉज अभी फोकस सबसे बड़ा फैक्ट है ना, जो कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे पा रहा। आप छोटे भाई बहन को नहीं बोलते हो कि ध्यान नहीं दे पा रहा है, बैठ के आधा घंटा पढ़ नहीं पा रहा, 1 घंटा नहीं पढ़ पा रहा, ये आपके साथ भी अभी आप उसी पोजिशन पे आ गए हो, और ये आपकी गलती नहीं है, बाहर का सिचुएशन ऐसा था जहाँ पे लोग पढ़ाई वढ़ाई नहीं है, पहले अपनी जिंदगी बचाने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है सबको। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, अब देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देता हूँ। पिछला वाला क्वेश्चन क्या था, x माइनस वन था, देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे कॉम्प्लिकेट करते हैं।
उससे पहले क्या था, x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। मान लो कि मैंने दिया है x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, ओके ये है एक्सप्रेशन। अब आपको इसके चार केसेस सॉल्व करने हैं। पहला, जब ये ग्रेटर देन जीरो है, दूसरा जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तीसरा जब ये लेस देन जीरो है, और चौथा जब ये लेस देन इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो आपको ये चार केसेस पे सॉल्व करना है। चलो कोई लीव नहीं करेगा, इट्स 11:30, 10 मिनट के अंदर हम इसको खत्म करेंगे। मैं अपना 10 मिनट एक्स्ट्रा दे रहा हूं, आप भी बैठो इस क्वेश्चन को करो। सोचिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, और या ध्यान से अगर देखोगे तो इसका पहला जो क्वेश्चन था x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, सेम फैक्टर्स थे, अंतर क्या है, वो फैक्टर था मल्टीप्लिकेशन में, यहां पे ये दोनों फैक्टर्स डिवीजन में आए। तो सोचिए थोड़ा सा कि क्या चेंज क्या हुआ उसके कारण। देता हूं मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम, तब तक मैं पानी पी के आता हूं, ठीक है। ओके चलिए ट्राई कर लिया आप लोगों ने। अब मैं आपको समझाता हूं कि अंतर क्या है। देखो अब उज्ज्वल, आपने चैट में आंसर लिखा है माइनस वन से इंफिनिटी। अच्छा, आपने सबके अलग अलग के लिखे, चलो ठीक है, गलत है वैसे। हर्ष, उज्ज्वल, आपके आंसर्स गलत है। लेट मी टेल यू क्या अंतर है गाइस। एज सच, सुनो सब कोई ध्यान से सुनो, चैट में लिखना बंद करो, नोटबुक बंद करो थोड़ी देर के लिए। अंतर सिर्फ और सिर्फ इतना है, वो कोशिश वही रहेगी, मतलब क्रिटिकल पॉइंट अभी भी निकालोगे तो क्रिटिकल पॉइंट हमने यहां पे क्या निकाला था, एक बार x प्लस वन को इक्वल टू जीरो किए थे तो माइनस वन आया था, और एक बार x माइनस टू को इक्वल टू जीरो किए थे तो टू आया था। ठीक है, अगेन मैं कह रहा हूं लिखना बंद करो, आयुष सबको बोल रहा हूं यहां ध्यान से सुने। तो अब हम क्रिटिकल पॉइंट की अगर बात करें, अब अगर हम क्रिटिकल पॉइंट की बात करें तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या निकल कर आएंगे, यहां पे आया माइनस वन, यहां पे आया टू। सुनो गाइस, नोटिस करो, वेबिकॉप मेथड ने कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। उसने यही बोला है कि हमको जो भी क्वेश्चन मिल रहा है हम उस क्वेश्चन को लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे, हम उस क्वेश्चन को लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे, और लीनियर फैक्टर्स के कोफिशिएंट्स जो है ना, एक्स के कोफिशिएंट को पॉजिटिव करेंगे। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट ऑलरेडी पॉजिटिव है,
कहीं ना कहीं हमारा स्टेप वन से लेके स्टेप थ्री काम हो गया। स्टेप फोर कहता है उसके रूट्स निकालिए, तो हमने रूट्स निकाल लिया। स्टेप फाइव कहता है कि उस रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए, प्लॉट कर दिया हमने। वो कहता है कि अगर स्टेप वन से स्टेप फोर सही से किए हो और स्टेप उसके बाद रूट पे प्लॉट किए, नंबर लाइन पे रूट्स को प्लॉट किए हो, तो आपका राइट मोस्ट इंटरवल से पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा, यहां से नेगेटिव निकलेगा और यहां से पॉजिटिव निकलेगा। ठीक है, यहां पे भी यही सारी चीजें करनी है। सिर्फ एक चीज जो आपको फील हो जाना चाहिए वो क्या बताओ, मैथ्स में कभी भी हम लोग जीरो से डिवाइड करते हैं क्या? मैथ्स में क्या कोई भी चीज जीरो से डिवाइड होती है? बताइए, टेल मी इन द चैट बॉक्स, क्या मैथ्स में कोई भी चीज जीरो से डिवाइड होती है? अमृता, उज्जवल, हर्ष, मानस, सनी, इन लोगों ने यहाँ पे बोला है नो। सनी, आयुष, गुलशन, अमृत, प्रफुल, यस, नहीं होता है, राइट? यस मंजीत, मैथ्स में जीरो से डिवीजन अनडिफाइंड है, डिफाइंड ही नहीं किया गया। तो यहाँ पे भी जो एक्सप्रेशन आया है x माइनस टू, वो कहाँ दिख रहा है? डिनोमिनेटर में दिख रहा है। आपसे अगर मैं पूछू कि x माइनस टू जीरो कब होगा, x माइनस टू जीरो कब होगा? जब x का वैल्यू टू रखा जाएगा। अब आप ही लोग बताओ, क्वेश्चन कोई भी हो, क्वेश्चन कोई भी हो, क्या हम x का वैल्यू टू अपना सॉल्यूशन में रख सकते हैं? क्या हम x का वैल्यू 2 अपने सॉल्यूशन में रख सकते हैं? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो, क्योंकि उसको अपने सॉल्यूशन में इंक्लूड करने का मतलब एक अनडिफाइंड पॉइंट को इंक्लूड करना, एक अनडिफाइंड पॉइंट को इंक्लूड करना। तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या एक्स्ट्रा ध्यान देना है पिछले क्वेश्चन के मुकाबले, वो ये कि हमारा आंसर में कहीं भी x का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए। क्या ध्यान देना है? सब कुछ वैसे ही करना, बस वो पॉइंट नहीं रखोगे जिसके कारण डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। ठीक है, कौन सा पॉइंट नहीं रखोगे? जिसके कारण डिनोमिनेटर जीरो हो। तो अगर मैं सॉल्यूशन लिखने पे आ जाऊं इन सब का, तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब है पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां कहां पे हो रहा है? तो पॉजिटिव हो रहा है माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, या तो यहां से उठाएंगे या फिर यहां से उठाएंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का तरीका क्या बताया था आप लोगों को? आपको बताया था कि इक्वल टू जीरो को पहले भूल जाओ, इक्वल टू जीरो को पहले भूल जाओ और ग्रेटर देन जीरो का सॉल्यूशन लिखो। तो ग्रेटर देन जीरो का सॉल्यूशन तो ऊपर लिखा ही हुआ है, उसी को हमने नीचे कॉपी कर दिया। फिर इक्वल टू जीरो के पॉइंट देखो। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये फ्रैक्शन, ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन जीरो कहां कहां पे हो रहा है? ये फ्रैक्शन जीरो कहां पे हो रहा है? तो एक माइनस वन पे, लेकिन टू पे जीरो नहीं हो रहा है। टू पे क्या हो रहा है? टू पे अनडिफाइन हो जा रहा है गाइस, टू पे अनडिफाइन हो जा रहा है। इसको मैं यहां पे एक्सप्रेस करता हूं। माइनस वन पे हमारा जो एक्सप्रेशन है वो जीरो हो रहा है, ठीक है, लेकिन टू पे क्या हो रहा है? टू पे हमारा एक्सप्रेशन अनडिफाइन चलेगा, टू पे हमारा एक्सप्रेशन अनडिफाइन चलेगा। आप में से कुछ के दिमाग में आ सकता है अनडिफाइन कैसे? तो चलो x का वैल्यू 2 रखो, तो वहां पे x का वैल्यू 2 रखो तो ऊपर है x प्लस वन, वो कितना बन जाएगा? वो बन जाएगा 2 प्लस वन 3। नीचे क्या है? x माइनस 2, वो कितना बन जाएगा? वो बन जाएगा 2 माइनस 2 0। तो आपका एक्सप्रेशन बन गया कुछ 3 बाई 0, और 3 बाई 0 क्या है मैथ्स में? 3 बाई 0 अनडिफाइंड है। हर्ष पूछ रहा है कि सर x माइनस टू को RHS में भेज दे तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा? आप लोगों के मन में जो डाउट आया, याद करो हमने परसों की क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैसा एक्सप्रेशन के साथ नहीं करते हैं जिसका साइन हमको नहीं पता, जिसका साइन हमको नहीं पता। इसको मैं रुको,
इसको पहले हम यहां डिस्कस कर लेते हैं। मान लो किसी के दिमाग में डाउट बिल्कुल आया हो सकता है कि x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ है, तो क्यों ना हम x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो इंटू एक्स माइनस टू कर दे और फिर x प्लस वन ग्रेटर देन जीरो को सॉल्व करें। सो द सॉल्यूशन इज दिस इज रॉन्ग। क्यों गलत है? बिकॉज वी डोंट नो, because the value of x minus 2 is not known. हमको ये नहीं पता ना कि x minus 2 की value क्या है। और आपको एक चीज बताया हुआ है कि inequality में अगर हम positive number से multiply करते तो sign same रहता है और negative number से multiply करते तो sign change हो जाता है। तो अब आप ही बताओ कि आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन सेम रखा है, लेकिन वो कब होता है? जब x माइनस टू पॉजिटिव होता है। क्या हमको ये कंफर्मेशन है कि x माइनस टू हमारा पॉजिटिव रहेगा? क्या ये कंफर्मेशन है? नहीं ना, वो तो हम निकाल रहे x का वैल्यू है कि नहीं। तो इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम नंबर्स का करते हैं, 5, 7, माइनस टू, माइनस थ्री, इनका करते हैं क्योंकि हमको इनका नेचर पता है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। लेकिन हम ये एक्सप्रेशंस का जिसमें वेरिएबल है उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई तब तक नहीं करते जब तक हमको उसका वैल्यू का आइडिया नहीं हो। कब तक नहीं करते हो? जब तक उसके वैल्यू का आइडिया नहीं हो, ठीक है। सो अब देखिए गाइस, तो आपको समझना है कि जब आप नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, और क्रिटिकल पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे आपका एक्सप्रेशन जीरो होगा, लेकिन इस वाले पॉइंट पे आपका एक्सप्रेशन होगा अनडिफाइंड। तो समझो अब, जब हम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का केस सॉल्व कर रहे हैं, जब हम ग्रेटर देन इक्वल टू का केस को सॉल्व कर रहे हैं, तो हमको देखना है, पहले तो हम आपको बताएं कि इक्वल टू जीरो को भूल जाओ, ग्रेटर देन जीरो का सॉल्यूशन लिखो। तो वो हमने ग्रेटर देन जीरो का सॉल्यूशन लिखा, उसके बाद आपको बोलता हूं कि फिर इक्वल टू जीरो वाला पॉइंट को इंक्लूड करो, इक्वल टू जीरो वाला पॉइंट को इंक्लूड करो। तो इक्वल टू जीरो कहां पे हुआ है? माइनस वन पे हुआ है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको माइनस वन पे लगाना चाहिए क्लोज ब्रैकेट, ठीक है ना। इसलिए माइनस वन पे आएगा क्लोज ब्रैकेट। आते हैं अगले सॉल्यूशन के ऊपर, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब क्या है? नेगेटिव। लेस देन जीरो का मतलब है नेगेटिव। नेगेटिव कहां से कहां तक हो रहा है? तो वो हो रहा है माइनस वन से लेके टू तक। वो हो रहा है माइनस वन से लेके टू तक, तो वहां पे आप क्या लगाओगे? वहां पे आप लगाओगे ओपन इंटरवल, क्योंकि हमको उसके बीच में नेगेटिव मिल रहा है। अब आते हैं लास्ट वाले पार्ट पे। लास्ट वाला पार्ट क्या कह रहा है? लेस देन इक्वल टू जीरो। आपको क्या करना है? इक्वल टू जीरो को भूल जाओ, पहले लेस देन जीरो का केस लिखो। तो लेस देन जीरो का सॉल्यूशन लिखा तो बना माइनस इनफिनिट, माइनस वन से टू, ठीक है। अब आप देखो इक्वल टू जीरो कहां पे हो रहा है, तो इक्वल टू जीरो हो रहा है माइनस वन पे। तो फिर आप क्या करो, माइनस वन से ये सिंपल ब्रैकेट को हटाकर उसके जगह पे क्या लगाओगे? आप उसके जगह पे लगाओगे स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। सो हो गया, समझ में आ गया आप सबको? डन। आपका लास्ट क्वेश्चन, 15 मिनट एक्स्ट्रा निकाल लिया क्लास का, बट क्या ये वर्थ इट था? समझ में आ रहा है पिछले क्वेश्चन से इसका अंतर क्या है? गिव मी अ कंफर्मेशन जल्दी, बिकॉज मुझे क्लास को लीव करना है, आपकी अगली क्लास है 12 बजे। स्टूडेंट्स समझ में आ गया सबको? कोई डाउट किसी को? चलो, तो अगर स्टिल किसी को डाउट है तो एक बार रिकॉर्डिंग को देखेगा। मैं खुद से आपको कुछ क्वेश्चंस आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजूंगा, उस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। जितना हमने पढ़ा है आज के दिन में उसी के बेसिस पे क्वेश्चन होगा, तो वो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। तो चलिए फिर यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। नोट्स आपको ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, आयुष ने हैंड रेज किया है, बाकी लोग लीव कर सकते हो। हाँ आयुष बताओ।
हेलो सर, हाँ यूज बताओ। सर आप जो सर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए हैं ऑनलाइन और जो पढ़ाते हैं रिकॉर्डिंग और ये जो आप स्लाइड भेजते हैं, इतना देख के चल जाएगा या इसमें हमको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालना पड़ेगा? अभी से ही दूसरा बुक पढ़ना स्टार्ट कर दे ये सब से? अभी कोई दूसरे बुक की जरूरत नहीं है, आप अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हो, बट जितना कॉन्सेप्ट जरूरी होगा जेई के लिए हम सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, कोई भी चीज नहीं छोड़ते, ठीक है। और हमारा खुद का स्टडी, वो तो एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो मान लो जैसे अभी हमने वेबिकॉप मेथड को सॉल्व किया है, आप क्या कर सकते हो, वेबिकॉप मेथड के क्वेश्चंस को ढूंढो, आप थोड़ा मेरे से आगे स्टडी करने की कोशिश करो, जैसे मैंने इतना तक पढ़ाया है, आप पहले इसके ऊपर के क्वेश्चंस ट्राई कर लो और उसके बाद इसके आगे की स्टडी बुक से करने की कोशिश करो, उससे आपको भला होगा। ताकि जब हम अगली मेरी क्लास में जब मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँगा तो आपको ऑलरेडी उसका एक अच्छा आइडिया होगा, ठीक है। लेकिन सारे स्टूडेंट्स से एक सिंपल सा सजेशन है, आप एक ही टॉपिक को अलग अलग बुक से मत पढ़िएगा, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। जहां से भी पढ़ना है एक ही बुक को फॉलो करना है, मतलब एक टॉपिक के लिए एक ही बुक को फॉलो करना, क्योंकि जो बुक्स हमने अपलोड किया है वहां पे ड्राइव पे, दे ऑल आर गुड बुक्स, किसी भी बुक को आप फॉलो कर सकते हो, दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए फिर एंड करता हूँ मैं यहीं पे, टेक अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स, बिकॉज देन यू हैव अनदर क्लास एट 12 o'clock। बाय बाय।